Thank you.
मन बुद्धि और चित्त को और ठीक करके और एकाग्र करके आइए उस प्रसंग में प्रवेश करें जिसकी चर्चा इन दिनों प्रधान रूप में चल रही है। हम कल कह रहे थे कि रंग भूमि रणभूमि बन जाती है जब क्रोध प्रवेश करता है, लेकिन रंगभूमि का एक दर्शन और भी है। आप जरा गंभीरता से शांति से सोचें तो ये रंगभूमि में जो परशुराम राम धनुष भंग आदि जो जो घटनाएं घटी इनमें प्रमुख तीन शक्ति ऐसी है जो एक एक ही इष्ट की उपासक है, फिर भी तीनों के दर्शन में भिन्नता है। अब भलीभांति जानते हैं कि सीता जी के स्वयंवर में रावण भी आया था और रावण भी शिव का उपासक है, परशुराम जी भी शिव के उपासक है और मेरे राम जी भी शिव के उपासक है। तीनों के इष्ट शिव है और ये तीनों के दर्शन में जमीन आसमान का अंतर है और ये तीनों उसी भूमि में कदम रखने वाले हैं और ये तीनों ने देखा कि ये हमारे इष्ट का धनुष है। राम जी ने भी देखा मेरे इष्ट का धनुष, रावण ने भी देखा कि ये मेरे इष्ट शंकर का धनुष और ये बाबा तो इतने इसी कारण तो बहुत बहुत आग बबूला हो गए कि मेरे गुरु का धनुष किसने तोड़ दिया। तीनों का लक्ष्य शिव है, तीनों का केंद्र शिव धनुष है, ये बिल्कुल हमारे सबके अनुभव का दर्शन है कि कभी कभी बिलग बिलग लोगों का लक्ष्य एक होता है और केंद्र भी एक होता है, फिर भी सबकी भावनाएं भिन्न भिन्न होती है, सबका दर्शन भिन्न भिन्न होता है, क्योंकि रुचि नाम वैचित्र्य जो कुटिल नाना पथ जुषा निर्णाम एको गम्य स्तम सिपयसा मरणव इव। ऐसे गंधर्वराज पुष्पदंत ने कहा ये अपनी अपनी रुचि की भिन्नता का कारण है। दो वस्तु तीनों की एक है, ठीक से समझे, तीनों का लक्ष्य राम है शिव है और तीनों का केंद्र शिव धनुष है। रावण की निराशा का केंद्र भी शिव धनुष है क्योंकि तोड़ नहीं पाया और उसी निराशा ने जानकी के अपहरण का बीज बो दिया। अब ठीक से समझे, जैसे दुर्योधन गिरा, जो पानी वहां थल थल वहां जल दिखाई दिया और वो गिरा और उसी समय द्रौपदी थोड़ा हंस देती है, बस वही बीज था, वही बीज बोया गया था पूरे कुरुक्षेत्र के रणभूमि का, एक बीज वो था। रावण शिव धनुष को तोड़ नहीं पाया और उनकी जो निराशा है, उनका जो पराजय है, वो प्रतिशोध का कारण बन गया। तुम्हारा हमारा पराजय कभी कभी बदले की वृत्ति को जन्म देता है, कभी कभी छोटा पराजय बड़े विजय की आकांक्षा के बीज बो देता है।
छोटा पराजय, व्यक्ति के जीवन की छोटी बड़ी विफलताएं, प्रतिशोध, अथवा तो हम देख लेंगे, हम उनको इससे भी बड़ी विजय करके दिखा देंगे, इसके बीज बो देता है। तो रावण जानकी के अपहरण के लिए संकल्पित हो जाता है शूर्पणखा के कहने पर। शूर्पणखा ने तो इस बीज को पानी डाला, जल सींचा, लेकिन बीज तो बो गए थे। जनक की सभा में जब उपहास का भोग बन गया, मुंह बेर पड़ा और सब लोगों ने तालियां बजाई, और ये जो उसका वहां अपमान, वही प्रतिशोध का बीज बो दिया था। वही धनुष टूटा राम के हाथों, तो हजारों नर नारी, हमारी मां जानकी और भैया लखन जी, गुरुदेव विश्वामित्र, जनक की चिंता, सुनैना का मोह, ये सब मिटने का कारण बन गया। सब जय जयकार से भर गए थे। भर भुवन घोर कठोर, रव रवि बाज तज मारग, चले चिक्कर ही दिग्गज दोल, वही अहि को कूरम कल मले, सुर असुर मुनिकर कान विघ्ने, सकल विकल विचार की को दंड भंजे राम तुलसी। जयति वचन जय का कारण बन गया था। ये घटना जय हो जयति हो गई थी तीनों भुवन में। एक ही केंद्र, रावण का धनुष केंद्र, लेकिन वो निराशा प्रतिशोध का बीज बो देती है। भगवान राम जी ने तोड़ा वही धनुष, तो कईयों के हृदय में प्रसन्नता अंकुरित हो गई, जय जयकार हो गया। वही धनुष टूटा, उसके लिए परशुराम जी को एक तीसरा ही भाव खड़ा हो गया कि ये मेरे इष्ट का अपमान है, किसने तोड़ा, कहूं जड़ जनक धनुष के ही तोड़ा है। मूर्ख जनक, जल्दी बता इस मूढ़ को, जिसने इस धनुष से नादानियत की है, चेष्टा की है, उसको बिलक कर दो, न तुम्हारे जय है सब राजा, वरना मैं सबको मार दूंगा। एक ही केंद्र, एक ही इष्ट के तीन शक्तियों को बिलक बिलक भाव में प्रतिष्ठित करती है। इसका कारण, रावण शंकर को ही मानता है, लेकिन शंकर के अहंकार वाले राम रूप की पूजा करता है। सदैव रावण ने शिव के अहंकार वाले रूप की पूजा की है, और इसीलिए चेले में वही घटना उतरी, वही वस्तु उतरी। परशुराम महाराज भी शंकर के उपासक है, शैव है परशुराम, विशुद्ध शैव है, वैष्णव नहीं है परशुराम। वे रमापति का धनुष वो रखते हैं, वो ठीक है, बाकी वैष्णव नहीं है। यदि वैष्णव होता तो गोस्वामी जी ये नहीं लिखते, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा, ये उनका शैव होने का प्रतीक है, वो शैव थे। उसने भगवान शंकर के तमोगुण में एक जो लक्षण है क्रोध, उसी पक्ष की उपासना की, इसलिए परशुराम जी में क्रोध उतराए। और ऐसे क्रोध उतरा, मैंने बार बार कहा कि इस दूषण को भी महाराज अपने मुंह से भूषण सिद्ध करने लगे कि क्रोध मेरा भूषण है, ये दुनिया को दंड नहीं दे तो दुनिया नहीं सुधर सकती, क्रोध तो करना ही चाहिए, अपना परिचय ही तो ऐसे देते हैं, बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी, मैं क्रोधी हूं। क्रोधी कहलाने में उसको गौरव लेते थे। शंकर के तमोगुण में, तमोगुणी स्वरूप में रहा जो क्रोध तत्व है, उसका पक्ष परशुराम में उतरा। और भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, मेरे भगवान शिव का जो विश्वास रूप है वो मेरे ठाकुर राम जी में उतरा। उसने विश्वास वाला पक्ष लिया, और जिसने विश्वास का पक्ष लिया उसको भक्ति मिली, सीता मिली, बिनु विश्वास भक्ति नहीं। सब सूत्र एक के बाद एक सिद्ध होते जाते हैं, गणित की बात है, सब वैज्ञानिक सूत्र है। राम जी ने शंकर का विश्वास वाले रूप की उपासना की तो उसको जानकी मिल गई, भक्ति मिल गई।
रावण ने वही शंकर की उपासना, लेकिन अहंकार वाली उपासना की, इसलिए भक्ति नहीं मिली, क्योंकि अहंकार और भक्ति को तालमेल नहीं। हमारे गुजराती में लिखा है, भक्ति रे करवी एने राख थई ने रहूं, पान बाई मेलवूं यंतर अभिमान। जिसको भक्ति करना है उसको अहंकार छोड़ना पड़ता है, अहंकार के कारण भक्ति नहीं हो सकती। भक्ति करवी एने राख थई ने देखो, व्यास गादी पर बैठने का एक नियम है, या तो तुम दाढ़ी मूछ सब रख सकते हो, या तो तुम भद्र रूप रख सकते हो। केवल मूछ रखकर व्यास गादी पर बैठने की परंपरा ने मना किया। मूछ अहंकार का प्रतीक है, व्यास गादी भक्ति की गादी है, वहां अहंकार को बैठने की मना है। या तो गोपी रूप में, भद्र रूप में, या तो पंचकेश रखकर, कोई दाढ़ी मूछ जैसे ऋषि मुनियों का रूप तो बैठ, केवल कोई दाढ़ी न हो और केवल मूछ रखकर व्यास गादी पर, जो परंपरा है, कि आज देश काल के अनुसार कोई उसमें परिवर्तन कर दे बात और मना है, क्योंकि ये अहंकार का रूप है और अहंकार के रूप को व्यास गादी इजाजत नहीं देती। ने राख थई ने रहूं पान बाई मेलवूं यंतर अभिमान। हमारी परंपरा में सभी देवताओं को दाढ़ी मूछ नहीं है, क्या उसको दाढ़ी मूछ होगी ही नहीं? राम का चित्र देखो, दाढ़ी मूछ नहीं है। शिव को देखो, फिर कोई विशिष्ट रूप में बना ले बात, कृष्ण के दाढ़ी में ये है कि ये जो परम तत्व है अहंकार शून्य है। अहंकार वाले तो मूढ़ है, अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते, वो तो विमूढ़ों का लक्षण है। हम करते हैं, हम ये हैं, हम ऐसे वो हैं, वो तो मूढ़ लोगों का। इसलिए हमारे देवताओं को हमारे ऋषि संप्रदाय ने दाढ़ी मूछ नहीं दिखाई। इसका दूसरा कारण है कि उसको उम्र नहीं लागू, वो तो सदैव एक रस रहते। कृष्ण कभी बूढ़ा हुआ कल्पना नहीं हो सकती, वो रोज सदैव जवान दिखता है। दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम, वो प्रतिदिन नूतन है, उसमें कभी आप वार्धक्य नहीं देख पाओगे, बुढ़ापा नहीं देख पाओगे। अहंकार शून्य तत्व है। राख थई ने रहूं पान बाई मेलवूं यंतर अभिमान। भक्ति रे करवी राख थई ने पान बाई मेलवूं यंतर अभिमान। हमारे देश में संन्यास की परंपरा आई तो संन्यास में जटा शिखा सूत्र का सब त्याग क्यों है, भद्र रूप हो जाता है। संन्यासी के लिए भी यही इशारा है कि अब तुम्हें विनम्र होना है, अब तुम्हें मुझ पर हाथ डालना नहीं है, अब तुम्हें अहंकार छोड़ना है। राख थई ने रावण की उपासना का पक्ष था, शिव का अहंकार पक्ष, इसलिए वो भक्ति को नहीं प्राप्त कर सका। और नहीं प्राप्त कर सका, जानकी का अपहरण करके ले गया तो भी नहीं प्राप्त कर सका। प्रमाण, जब अंगद ने रावण के दरबार में कहा कि मेरे चरण को जो कोई उठा ले, मैं प्रतिज्ञा करता हूं फिर ही राम सीता मैं हारी, मैं सीता को हार जाऊं,
और उसी समय सब खड़े हुए और अंत में कपि के ललकार से रावण भी खड़ा हुआ। तब अंगद हंस पड़ा को हो दुनिया मानती थी, थोड़ा मैं भी मानता था कि तूने जानकी को चुरा कर ले लिया, लेकिन लाने के बाद भी मुझे यकीन हो गया कि अभी तक तू जानकी को पा नहीं सका है। यदि पा लेता तो तू मेरी इस जुगाड़ में क्यों खड़ा होता? तू ये नहीं कहता मैंने तो जानकी को पा ली है, अब तेरे पैर उठाऊं फिर जानकी मुझे मिले? लेकिन ये प्रमाण था कि अपहरण करने के बाद भी वो जानकी को नहीं पा सका, उपवन में रख पाया भवन में नहीं ला पाया, क्योंकि अहंकारी भक्ति को कभी भवन में नहीं ला सकता। वो उपवनों में देख सकता है, तपोवनों में देख सकता है, भक्ति को आश्रमों में देख सकता है, वो अलग भिन्न, लेकिन अपने निज मंदिर में नहीं ला सकता भक्ति को। अहंकार वाले पक्ष का की उपासना का कारण वो जानकी को नहीं पा सका, आज जन्म नहीं पा सका, क्योंकि अहंकार और अहंकार से दूसरों का द्रोह करता रहा। इसलिए उसकी पत्नी बोली है, आजन्म तेरे पर द्रोह रत पापोग मैं तव करूं यो निर्धाम राम नमामि ब्रह्मणि जन्म ते परद्रोहरत पापो मैं तव तुम पियो निज धाम राम नमामि ब्रह्मणि जन्म भक्ति को नहीं प्राप्त कर सका दशानन, क्योंकि पक्ष अहंकार वाला था। और परशुराम शिव के तमोगुण के क्रोध स्वरूप को उसने लिया था, इस पक्ष को उसने प्रदान, और क्रोध के कारण उसको बोध नहीं हुआ। सीधी सी बात है, क्रोध के कारण, मैं समझ लो परशुराम जी अज्ञानी नहीं है भाई, मैंने भी आपको कहा कि वो अवतार है, राम अवतारी है, वो परमात्मा का ही अवतार है, वो अज्ञा, यहाँ अज्ञानी जीव भी नहीं है तो परशुराम कैसे हो सकता है? यहाँ जीव कोई अज्ञानी है? ये तो सूरज के आगे बादल आ जाता है कुछ समय के लिए, कोई संत का वाणी का प्रपात, अनुभव का प्रपात, दक्षि की दृष्टि का प्रपात हो जाता है, बादल उड़ जाए तो भास्कर उसी के रूप में ही प्रकाशित। यहाँ कोई अज्ञानी नहीं, दूसरों को अज्ञानी समझना वो सबसे बड़ा अज्ञान है। यहाँ कोई अज्ञानी नहीं है मेरे भाई बहन, सुनने वाले नहीं जानते और सुनाने वाला जानता, इस भाव से जो कहा जाता है उस वो अज्ञान की व्याख्या कही जाती है। रामचरितमानस ने तो स्पष्ट कर दिया, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, दोनों ज्ञान के निधि। लेकिन होता है क्या, बादल आ जाता है सूरज के, इसलिए कुछ समय के लिए सूरज नहीं दिखा। परशुराम जी के जीवन में भी ये आया कि क्रोध का बादल ऐसा आया कि वो तो जब भगवान के सुनि मृदु बूढ़ बचन रघुपति के उघरे पटल परसुधर मति के, तब ये बादल हटा। कौन अज्ञानी है? सब ज्ञानी। सवाल है कोई सदगुरु तुम्हारी स्मृति को खोल दे। ये सत्संग इसीलिए है मेरे भाई बहन, ये घुमाव इसीलिए है, ये सूत्रात्मक शास्त्रात्मक चर्चाएं इसीलिए हैं कि तुम्हारी स्मृति पुनः लौट आए। गीता में इतना समय था उपदेश देने का, जहां बिगुल बज चुका था वहां कृष्ण स्वस्थ चित से अर्जुन को ज्ञानामृत पिलाने लगे, इसीलिए खोई हुई स्मृति अर्जुन को पुनः प्राप्त हो। यही तो एक 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 ही उपाय है सत्संग, जिसे तुम्हारी खोई स्मृति लौट आए। मैं
कथाओं में कहता रहता। एक लड़के, एक विधवा माता जी का बेटा था, बहुत शराबी था। शराब पीने के बाद बाजार में गिर जाता, देर से लौटता, वो बेचारी बूढ़ी माँ उसको ढूंढने निकलती। एक दिन इतना पी लिया उसने तो गिरा था, पहचान वाले लोग कोई निकले तो सोचे अरे उसकी माँ रोती है और ये सुधरता नहीं, उठा करके घर ले आए। शराब का नशा बड़ा गहरा था उसको। उसका घर दिखाया ना तो उसने कहा ये मेरा घर नहीं है, मुझे कहाँ ले आए तुम, क्यों मुझे छलने चले हो, अरे ये तेरा घर नहीं है, जहां तुम पैदा, ये तेरी माँ देख। बोले ये मेरी माँ नहीं है, तुम मुझे धोखा दे रहे हो। लाख मनाया लोगों ने, बस एक ही बात, ये मेरा घर नहीं है, ये मेरा घर नहीं। इतने में एक किसान बैलगाड़ा लेकर वहीं से निकलता था और निकला। वो बड़ा वैसे ग्रामीण था लेकिन उसको कुछ भीतर की समझ आ गई थी। उसने कहा भाई मामला क्या है। बोले ये लड़का शराब पी गया तो अपनी माँ को माँ नहीं कहता, घर को घर नहीं कहता, ये गाँव ही मेरा नहीं, ऐसा बोल रहा। और हम उनके पड़ोसी हैं, कितने साल से उनके साथ रहते, कौन उसको समझाए, बिल्कुल भूल गया। उस देहाती ने कहा एक काम करो ना, मेरे बैलगाड़ी में उसको एक घंटे के लिए बिठा दो ना, अभी अभी ठीक कर दूँ। बिठा दिया और बैलगाड़ी को लेकर उसने घुमाया, पूरे गांव में बाहर घुमाया, नदी तक ले गया, कुछ गलियों में ले गया, मारे को एक दो घंटे घुमाया और नशा उतर गया। नशा उतर गया और घर ले आया तो कहने लगा ये मेरा घर है, ये मेरा गाँव है, मेरी माँ है, आप लोग मुझे कहाँ घुमा रहे थे। वही आदमी कह रहा सत्संग में तुमको घुमाए जाते हैं तुम्हारा नशा उतारने के लिए, कि तुम्हारा नशा उतर जाए और तुम्हारी खोई स्मृति पुनः लौट आए।
मैंने आपको कहा था कि ये आप कथा सुन रहे, ऐसा मत समझना कि आज ही मिले हैं, कई बार जन्म जन्म की यात्रा में लोग मिले होंगे। ये निर्विवाद सत्य है, उसको काटा नहीं जाता। लेकिन खो गई स्मृति, वो स्मृति आ रहा है। अर्जुन ने कहा मेरी स्मृति पुनः प्राप्त हो गई, अब मुझे दिखाई दे रहा है सब। अब शीतोष में गत संदेह करिष्ये वचनं तव। सत्संग साधक के ज्ञान के जो बादल ने छिपा दिया, उसको श्रीमद राजचंद्र ने ठीक कहा कि जो दूसरों को अज्ञानी कहेगा वो अध्यात्म का अपराधी है। श्रीमद राजचंद्र ने बड़ी अच्छी घोषणा की, जिसको गांधी जी गुरु मानते थे, जो दूसरों को अज्ञानी कहेगा वो अध्यात्म अपराधी है। उसने अध्यात्म की हत्या की, अध्यात्म का गला घोंट दिया उसने। तुम कैसे दूसरों को अज्ञानी, हाँ तुम में क्षमता हो तो दूसरों को अज्ञानी मत कहो, उनके ज्ञान के बादल को हटाओ, उनकी स्मृति को वापस लाओ। तो वो बैलगाड़ी में बिठा करके घुमाता है और घर पर शराब उतर गई तो माँ के पैर छूने लगा। अरे लोग मुझे कहाँ कहाँ ले गए, माँ मेरा घर चुका दिया। हम भी अपने घर को भूल गए, अपने मुकाम को भूल गए, अपने असली माँ बाप को भूल गए। इसलिए सत्संग स्मृति सर्जन करता है। मैंने आप मेरे जो पुराने श्रोता हैं और ये लड़के भी सब जानते हैं, मैं कई बार बोला हूं कि मीरा ब्रज की गोपी थी, ये मेरी व्यास गादी का, लेकिन उसका प्रमाण मुझे इस राजस्थान की भूमि पर मिल रहा है। मैंने बोल दिया बहुत समय पहले, मैं ऐसा बहुत बोल गया हूं, मेरे प्रभु की कृपा पर, मेरे सदगुरु की कृपा पर, मेरी व्यास गादी की करुणा पर, और जो बाद में मुझे शास्त्रों में से मिला है कि ले तेरे बोल को हम बल दे देते, ले जा हम साइन कर देते। तो मैंने कई समय पहले बोला, जब मैं बोला कि मीरा ब्रज की गोपी थी, उसका प्रमाण मुझे राजस्थानी भूमि दे रही, और वो मीरा के शब्दों में प्रमाण है। मीरा ने कहा कि मैं गोपी थी। अब स्वयं मीरा स्वयं चैव ब्रविषि में जब बोल दे, खुद कह दे कि परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान, हाँ जब ये स्वयं जब बोल रही है, तो मुझे कितना आनंद हुआ कि ये मीरा ने मोहर लगा दी, साइन कर दी कि ठीक कह दिया था तुम, लो मैं कहता हूं कि मैं हूं, हाँ? और प्रमाण सुन लीजिए। सुनिए कितने मीठे शब्दों में ये मीरा बोली, क्या बोली, रास रचो बंसी बट जमुना तादिन कीनो कॉल रे। तेरी उस दिन तुझे मुझे कॉल दिया था, आज कलयुग में मीरा कृष्ण को पकड़ रही है, उनके शब्दों में प्रमाण। दुनिया में बहुत खुश हुआ कि मीरा उसको मोहर लगा रही है, उसको हाँ कह रही है कि ठीक व्यास गाली बोल गई। रास रचो बंसी बट जमुना तादिन कीनो कोल रे। रास रचो बंसी बट जमुना, और रास अब कहां हुआ होगा वो मीरा के शब्दों से ही प्रमाणित मानना चाहिए, हाँ? वो बता सकती है, वो कह सकती है, शुक कह सकता है, मेरा नरसिंह मेहता कह सकता है कि रास कहां हुआ था। वैसे मीरा की जब स्मृति प्रकट हुई तब वो कहने लगी, रास रचो बंसी बट जमुना तादिन कीनो कोले। रास रचो बंसी बट जमुना तादिन कीनो कोले। तो
साधु मंडली एकत्रित हो गई कि ये तू क्या घोषणा कर रही है। जब कोई कोई दुनिया की समझ में ना आए ऐसी अचिंत घोषणा होती है ना, तो पूरा संसार में खलबली हो जाती है कि ये क्या कहने जा रहा है। बस अब उसका पागलपन में कोई प्रमाण बाकी नहीं, अब ये पागल होगी चूकी। सब लोग बोल गए, साधु मंडली एकत्रित हो गई। हर संतों के जीवन में उनके विरोधियों की मंडली प्रकट हुई ही है, तो उस समय भी रही होगी, सब मंडली खड़ी हुई। ये क्या, ये कैसी घोषणा, तुम कैसे कह सकती? बोले नहीं, मैं कहती हूँ रास रचो बंसी बट जमुना तीनो पूरब जन्म की मैं हूँ गोपिका। ये मेरी मीरा का शब्द है, स्वयं चैव ब्रवीषि मैं। अब वो खुद कह रही है, पूरब जन्म की मैं हूँ गोपिका। और देखिए समाधान देती है मीरा। अब ये तर्क आप भी कर सकते हैं, उस समय में भी किया गया था कि तेरे कहने से हम मान ले कि तू पूर्व जन्म की गोपी है। प्रमाण क्या, तो फिर आज पूर्व जन्म की थी तो आज कैसे, तुम्हें तो वैसे तो शुरुआत में तो कुछ नहीं था, अब ये तू सब बोल रही है। तो क्या जवाब देती है, पूर्व जन्म की मैं हूं गोपी, लेकिन अधबीच खा गई जोल रे। मेरा पतंग का दोर बीच में जोल खा गया, अधबीच खा गई जो स्मृति खो गई थी, भूल गई थी, पूर्व जन्म की मैं हूँ गो, ए पूर्व जन्म की मैं हूँ गोपिका, लेकिन अधबीच खा गई जो, अथवा तो बीच में सो गई, बीच में अविद्या ने मुझे घेर लिया, बीच में जरा मोह निद्रा आ गई, अध बीच खो गई खा गई जो रे। राजो मनुष्य बचे जन राजो मनुष्य बचे जमुना तादिन की नो खो रे। जिज्ञासा लोगों की हुई कि और खोलो, छो लंगर नंद महर के, राजस्थानी बोली में बोली, छो लंगर नंद महर के और ब्रज बरसानो मेरो गाम रे, छो लंगर नंद महर के ब्रज बरसानो मेरो गाम रे। ब्रज के क्षेत्र में मेरे गांव का नाम बरसाना था, मीरा ने खोला, ए नंद का प्रदेश था, उसमें मेरा गांव पड़ता था, बरसानो मेरो गाँव रे, ना जानो तो पूछ लीजो, अभी तक तुम ना जानो तो जाकर पूछ लीजो, श्री राधा मेरो नाम रे। रास रचो बंसी बट जमुना, रास रचो बंसी बट जमुना तादिन गीनो कोल रे। पूरब जन्म की मैं
बीच खा गई चोर रे है हो लंगर नंद महल और ब्रज बरसानो मेरो गांव में सरनामा एड्रेस दे दिया पक्का। लो अब यहां एक संदेह है कि मीरा ने ये कैसे कह दिया कि ना जानो तो पूछ लीजो श्री राधा मेरो नाम रे। तो क्या मीरा राधा का अवतार है? नहीं, देखो मेरी जो उतर रहा है वो है कि शंकराचार्य के हर शिष्य शंकराचार्य कहलाते हैं, रामानुज के हर शिष्य रामानुज कहलाते हैं, ऐसे मीरा राधा के अंश से आई है। हमारा दयाराम दयाराम की प्रीतम कौन है? जय नर प्रेम अंश अवतरे प्रेम रस उष्म एना घटमा भरे जो नर प्रेम अंश अवतर। जो प्रेम का अंश होता है वो प्रेम ही कहलाता है। गंगा जल की लोटी गंगा जल ही कहलाती है, जमुना जल की जारी जमुना जल ही कह। तो मीरा आई थी राधा के अंश से, इसलिए वो कहती है वो संप्रद उसकी मैं हूं, इसलिए मेरा नाम भी राधा है। ना जानो तो जो श्री राधिका मेरो रास रचो बंसी व्रत जन्ना, ए रास रचो यदि बंसी व्रत जन्ना, तारा दिनो को रे पूर्व जन्म की पूर्व जन्म की स्मृति आ गई। मैं हूँ गोपी का अध बीज खा गई जो रास रचो बंसी व्रत जमुना, तेरे कारण सब जग त्यागो गोविंद, तेरे कारण मैं सब जग त्यागो, अब तो कर ले लोल रे, अब तो मेरे साथ लोल कर ले रास रच ले, अब तो मेरे साथ हाथ मिला ले, तेरे कारण मैंने सब जग त्यागो, अब तो कर ले लोल रे मीरा के प्रभु गिरधर नाल, मीरा के प्रभु गिरधर चेरी हूँ बिन मोल रे, मीरा के प्रभु गिरधर मैं तेरी चेरी हूँ बिन मोल रे, रात रचो बंसी रचो ए बंसी व्रत जमुना, तारी नदीनों को रे पूर्व जन्म की मैं गोपी का, पूर्व जन्म की मैं गोपी का आध बीच खा गई जो रे है हो लंगर नंद महर के, है हो लंगर नंद महर के ब्रज बरसान मरो नाम रे, है हो लंगर नंद महर के ब्रज बरसान मरो नाम रे, जानो ना तो
जो बंसी बहे जमुना रास रचो बंसी वच जमुना रे पूरब जन्म की मैं तेरी गोपी का पूरब जन्म की मैं तेरी गोपी का अब बीच खा गई जो रे रास रचो बंसी दासी का रही होगी जो आज कहती है मैं बिना मौल की चेरी जो हूँ वो शुल्क दासी का जो ब्रज की गोपी गोपी गीत में बोली है सूरत ना जन्म की मैं हूं गोपी का कितनी अद्भुत घोषणा है हा? और कितना सटीक कि बीच में जरा नींद आ गई जैसे हमने कई बार कहा ना स्वामी रामतीर्थ कहते हैं कि पोस्ट कार्ड लिखते लिखते कोई सो गया तो जागने के बाद पूरा पहले से लिखना नहीं पड़ता जहां से रुका था वहीं से वैसे कई लोग छोटी उम्र में क्रांति कर लेते उसका मतलब कि बीच में जोका आ गया था और फिर नए जन्म में फिर वहीं से ही उसको साधना का आरंभ आगे अरे कई महापुरुषों के तो पत्र बिल्कुल लिख चुके खाली एड्रेस ही बाकी थे और प्रारब्ध पूरा हो गया तो दूसरे जन्म में खाली पोस्ट बॉक्स में डालना ही बाकी था। शंकराचार्य 32 साल की उम्र में जब देश में यातायात के ऐसे कोई साधन उपलब्ध नहीं थे तब
पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण मेरे देश के सनातन संस्कृति के ध्वज को गगन में उड़ा रहा है, वो कैसे हो सकता? 32 साल में हम 72 साल के होते हैं लेकिन कुछ भी नहीं किया। 92 साल के हो जाते हैं जीरो। जीवन के सरवाले में हमारे गुजराती में लिखा है, गुणता भांगता सरवाड़ो मेलता, आखो भव में गायो पण छेवते शून्य तरो सरवाड़ो, जीरो अंते। और 32 साल का एक युवक इस देश का कालड़ी की भूमि से प्रकट हुआ दक्षिण भारत ने, जो पूरे विश्व को एक गौरव प्रदान दिया, एक बहुत उजागर स्थिति प्राप्त करा दी राष्ट्र को, कैसे हुआ होगा? जन्म जन्म की साधना का सहारा हुआ होगा। मैं हूँ पूरब जन्म की, मैं हूँ अध खा गई जो बंसी। उस समय जो लोल हारे लोल 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 होता था, अब भी लोल कर ले कन्हैया हमारे साथ, वो बात वो करती हो रहा। तो कहने का मेरा मूल बात ये थी कि भाई स्मृति सत्संग खोलती है, ज्ञान के आड़ में, सूरज के आड़ में बादल आ गया, उसको हटाना है। परशुराम ने भगवान शिव के तमोगुण के जो क्रोध पक्ष है उनको लिया, इसलिए उनका ज्ञान भानु दब गया, क्रोध में बोध नहीं रहा। तो सत्संग आखिर क्या, घुमा घुमा करके हम जो भूल गए उसकी स्मृति कराना है, उसको खोलना है। सही समय पर खुल जाता है तो बात बन जाती, घटना घट जाती। अब कथा सुनते देखो, भगवान राम ने परशुराम में क्रांति कब हुई? भगवान के ऐसे वचन सुने तब पर्दा हट गया। सुनी मृदु गूढ़ वचन रघुपति के, फिर उपनिषद के वचन हो, मेरे मानस के वचन हो, भगवत गीता के वचन हो, वेद के वचन हो, संतों के सदगुरु के वचन हो, वो जब ऐसे आएंगे योग्य समय पर आएंगे, स्मृति खुल जाएगी। और खुलने पर आप अहोभाव से भर जाओगे, को हो मैं इतनी संपदा का मालिक था, शेर का बेटा भेड़ियों में चला गया, शेर की संतान जो दहाड़ करनी होनी चाहिए वो कहां चला गया। सत्संग स्मृति खोलता है। परशुराम जी का क्रोध हटा और बोध प्रकट हो गया जब मेरे राम जी के वचन से उसको पटल को दूर कर दिया। तो किन किन पक्षिक से हम हमारे इष्ट को देखते हैं और हमारे केंद्र की ओर जाते हैं, उस पर व्यक्ति के जीवन का परिणाम का आधार है। परिणाम का किस ढंग से आप उसको देख। मेरे पास कल एक जिज्ञासा और आई थी, जो मैं कल मीरा और शंकराचार्य वाली बात की मैंने खुलासा किया था, उसी में एक जिज्ञासा और थी कि बापू शंकराचार्य के ज्ञान और नरसिंह मेहता के ज्ञान में कोई अंतर है कि ठीक है, या तो दोनों में कौन श्रेष्ठ है? नहीं, इसमें कौन श्रेष्ठ कौन कम कहना अपराध है, क्योंकि शंकर ने जो परमात्मा को देखा है वो तत्व प्रधान परमात्मा है। उसने कुछ धर्म बताए हैं लेकिन ज्यादातर साधकों सिद्धों और ज्ञानियों के धर्म बताए हैं। नरसिंह मेहता भी ज्ञानी है, नरसिंह मेहता तत्व ज्ञानी है, कोई सामान्य नहीं। ब्रह्म लटका करे ब्रह्म पासे, ये कहने वाला वेदांती है नरसिंह मेहता, लेकिन उसने समाज धर्म भी सिखाया। रात रहे पांच जाहरे पाछली खटघड़ी, तो साधु पुरुष है सुई न रहूं, निद्रा ने परहरी समरवा श्री हरि, एक तू एम। उसने सामान्य धर्म भी समझाया। नरसिंह मेहता भी वैरागी है संसार में रहते हुए। तो इनमें कौन ऊंचा कौन नीचा, अपनी जगह पर शंकर है, अपनी जगह पर मेहता है, क्योंकि ईश्वर को किस पक्ष के रूप में, किस पक्ष लेकर भगवान को देखा है उसके ढंग से सब अपनी अपनी जगह ठीक है। कौन ऊंचा कौन नीचा कहना जरा नरसिंह मेहता और शंकर के बारे में कठिन है। हाँ, मीरा के बारे में तो जो मेरा दर्शन मैंने कल साफ किया कि आंसू की बात में मीरा शंकर से आगे है, निशंक याद उसमें शंकराचार्य पीछे, मीरा आगे हो गई, क्योंकि मीरा के पास जो अश्रु की संपदा
वो शंकर की आंखों में इतनी नहीं दिखाई देती, बुद्ध की आंखों में तो बिल्कुल नहीं दिखाई देती। सब ज्ञान मार्गी है, महावीर बिल्कुल केवल ज्ञान मार्गी है, वहां ये आंसुओं की संपदा बिल्कुल नहीं दिखाई देती। वो अपने ढंग से गए हैं, अपनी क्योंकि एक ही इष्ट को सब अपने अपनी दृष्टि से देखते हैं। जाकी रही भावना जैसी, सब ठीक है, सब महान है, सब अपनी जगह पर्याप्त रूप में पाए है। कह कबीर मैं पूरा पाया, कबीर ने अपने ढंग से देखा और घोषणा सबकी, हमने पाया है पूरा का पूरा। किसी की मजाल है कहे कि तुम में कमी है, हम कह कबीर मैं पूरा पाया, सब घट साहिब सिया राम मैं सब जग जानी। तो इष्ट को और तुम्हारे जीवन के केंद्र को तुम किस दृष्टि से देखते हो उस पर आधार है। और कभी कभी क्या होता है, स्वभाव से प्रतिकूल हम व्यवहार करते हैं, और स्वभाव से जो व्यक्ति प्रतिकूल व्यवहार करेगा वो कभी सफल नहीं होगा। प्रत्येक व्यक्ति का व्यवहार स्वभाव अनुकूल होना चाहिए, और वो स्वभाव खोलता है सत्संग कि तुम्हारी मूल प्रकृतियां है, तुम्हारी रुचियां है, तुम्हारा स्वभाव ये है, अब तू सुनते सुनते इस स्वभाव में स्थित हो जाओ, उसी में तुम आ जाओ। ये सत्संग के द्वारा होगा। इसलिए कथा ठीक से सुनो, मन बुद्धि और चित्त को एकाग्र करके मानस के सूत्रों की गहराई को छुओ, क्योंकि सुनने से ही। मैं यहाँ आया, एक किसी ने मुझे जिज्ञासा दी है तो उसका मैं कर दूँ। एक श्लोक लिखा है वो बहुत अच्छा है, मृच्चालिनी महिषहंस शुकास्व भावा मार्जार काक मशकौध जलौक तुल्या सच्छिद्र कुंभ पशु सर्प शिलोप माना स्ते श्रावका भुवि चतुर्दशधा भवन्ति। 14 प्रकार के श्रोता है। अब सुनते हैं ना तो आपके लिए फायदा कारक हो जाएगा। स्मृति निकालनी है, सूरज को बदलों से निकालना है, बहुत अच्छा समय पर यह जिज्ञासा मेरे पास आई। मैं जब यहाँ आया तो उसका उसकी उसने पूछा कि उसका खोलकर इसका अर्थ है कि भुवि चतुर्दशधा भवन श्रावका, भुवि चतुर्दशधा भवंती श्रावका, श्रोता 14 प्रकार के धरती के ऊपर होते, 14 प्रकार के श्रोता जो। बड़ी अच्छी जिज्ञासा। अब फिर अब अपने आप को पूछना हम कौन नंबर में आते हैं। मैं भी अपने को पूछूंगा क्योंकि मैं भी कथा सुनता हूँ। जब मुझे मौका मिला तो मैं भी कहीं बैठकर कोई महापुरुष को सुनता, तो मुझे भी निर्णय करना है कि हम कौन। हमारे तुलसीदास जी ने तो 3 श्रोता, त्रिविध समाज, पुर ग्राम नगर दुह कुल। तुलसीदास जी ने मुख्य 3 श्रोता बताए, सुनहि विमुक्त विरत अरु विषय, 3 प्रकार। लेकिन ये शास्त्र वचन है, उसमें 14 प्रकार का, उसको ठीक से सुन लो। इसलिए मैंने रख लिया, मैं फाड़ देता हूँ लेकिन उसको मैंने रखा कि आपको कह दो। हाँ, मृच्चालिनी महिषहंस शुकास्व भावा मार्जार काक मशकौ मशकौध जलौक तुल्या सच्छिद्र कुंभ पशु सर्प शिलोपमाना स्ते श्रावका भुवि चतुर्दशधा भवन्ति। 14 पहला नंबर मृतिका, मिट्टी। पहला श्रोता मिट्टी जैसा, एक श्रोता मिट्टी जैसा है। मृतिका जो मिट्टी, जैसे मिट्टी में पानी डालो और मिट्टी भीगी हो गई, हाँ, और फिर धीरे 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 सूरज की ताप से पानी उड़ गया तो मिट्टी जैसी थी ऐसी अक्कड़ हो गई। एक श्रोता का प्रकार ये है, भगवत रस बरसेगा, प्रेम रस बरसेगा, मन की मिट्टी भीगी होगी लेकिन जैसे सत्संग पूरा हो जाएगा और संसार की धूप शुरू हो जाएगी तो फिर मिट्टी पुनः वही की हो जाती है। ये पहला श्रोता बहुत सुंदर आया है, ये तो याद रखने जैसा है भाई, बहुत याद रखने। हमने कभी सोचा नहीं था ये, हम तो 3 प्रकार के श्रोता, लेकिन ये जो शास्त्र से निकला है बड़ा अद्भुत है। और उसको मैं खोल खोल कर व्याख्या करना चाहूँगा आपके साथ, कि आप ठीक से उसको समझो। हाँ, बहुत अच्छा। मृच्चालिनी महिषहंस शुकास स्वभाव चालनी, चालनी बाबा जी जो अनाज को हो करने की। हाँ, दूसरा श्रोता चालनी जैसे अनाज को। अब देखो
एक प्रकार एक श्रोता वो चाणी जैसे वो होता है, हिंदी में चालनी क्या छलनी छलनी छन छ छ। अच्छा आप समझ गए ना मेरी बात, मुझे जरा कठिन पड़ेगा भाई तो। आप बहुत समझ रहे, इसलिए मुझे आनंद है कि आप समझ जाते। कभी कभी मेरे पास शब्द नहीं आते तो फिर आप पकड़ लेते। तो उसको आप अब ठीक से समझो, ये दूसरे प्रकार, उसको जमीन पर रखा है और उसमें अनाज भर दिया, तब अनाज का एक भी कण नीचे नहीं गिरेगा, ठीक है। लेकिन ऊपर उठा करके ऐसे 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 करोगे, अनाज निकल जाएगा और कंकड़ रह जाएगा। कई श्रोता ऐसे होते हैं कि जब तक बैठते हैं तब तक सद्बोध से भर जाते हैं, लेकिन उसकी वो घर जाती हैं हिलती हिलती, तो सार सार निकल जाता है और कथा से कंकड़ कंकड़ लेकर घर चले जाते हैं। वो दूसरा सुन, हाँ दादाजी ऐसा हमारे दादाजी बड़े विद्वान पुरुष रहते हैं, तो आनंद आता है ज्यादा हमको। सार सार कई लोग देखो, कई लोग क्या कथा में बैठेंगे तब तो फिर जाकर कहेंगे व्यवस्था इस बार ठीक नहीं थी, लिया कंकड़ इस बार जरा वो ठीक नहीं रहा, इस बार जरा ये रहा ये हुआ ये हुआ, ये सब कंकड़ रह गए, सूत्र चले गए। मृच्छालिनी महिष हंस शुका स्वभाव, महिष आहा क्या प्रहार किया दादाजी। महिष, महिष का अर्थ है भैंस, भैंस करता है मेरी दृष्टि में यहाँ पाडो पाडो और सब उदाहरण है वही लगाना पड़ेगा बाबा जी। महिष महिष खाई करी मलिरा पाना, महिष महिष। उसका कारण एक तीसरा श्रोता महिष के, गुजराती में जिसको पाड़ो कहते हैं, तालाब में जब मैंने देहात में ये सब देखा है, आप लोग जो रहे होंगे देखे, जब वो पानी का धरा होता है ना उसमें जो रहेगा ना तब तक वो ठंडा रहेगा शीतल, लेकिन निकलेगा ना तो उसी पानी को डौला कर निकल जाएगा, उसी पानी को सिंग मार के पैर मार के उसी तालाब को डाबर कर देता है बाबा। कई श्रोता ऐसे हैं कि सत्संग में होते हैं तब अच्छे लगते हैं, लेकिन सत्संग पूरा होने के बाद अपनी धारणा से काम नहीं हुआ तो वही सत्संग की आलोचना और डाबर करके जाते हैं उसको डोना। वो महिष प्रकार के पाडा पंक्ति का श्रोता है। आना उपर गुजराती में बहुत बोलवानो क्योंकि इसके इसे प्रॉपर शब्द मुझे मिलेंगे ना गुजराती में, इसके उसके सटीक शब्द मिलेंगे। महिष मृच्छालिनी महिष हंस शुका स्वभाव, चौथा हंस स्वभाव। जैसे दूध और पानी रख दिया और हंस ने क्षीर नीर का विवेक कर दिया, जो लेना है जो पात्र में लड्डू रख दिए तुमने लड्डू खा लिए और पात्र को कचरे में डाल दिया, हंस स्वभाव। संत हंस गुण गह ही पय परिहरी बारी विकार, जो बारी विकार का जल है उसको फेंक दे और सत्व का दूध पी ले, हंस जो श्रोता है जो ले ले। कथा में तो बहुत से सूत्र आएंगे, हंस श्रोता वो है जो अपनी रुचि के अनुसार जो लग गया, अपनी अपने स्वभाव को जो लग गया, अपनी 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 साधना को तरक्की दे, ऐसा जो सूत्र है वो ले ले, वो ले उसको। भगवान के तो अनंत गुण है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, सब कोई ले सकता है। जैसे पांच आदमी को थाली में एक समान भोजन परसा है, लेकिन एक आदमी पहले जलेबी खाएगा, दूसरा पहले मोहन थाल खाएगा, अपनी रुचि के अनुसार उठाएगा, हंस वृत्ति अच्छा श्रोता है। चौथा हुआ ना मृच्छा विनी महिष हंस, चौथा हंस हुआ, हंस प्रकार के श्रोता जो सार सार ले, वो हंस वृत्ति के श्रोता है। कागभूषणी के पास जो श्रोता है वो सब हंस मराल है, सब बैठे सार सार पकड़ने वाले। शास्त्र में तो सब व्यासगादी तो सब सब वर्षा कर देगी, इनमें से तुम्हारे अनुकूल क्या है वो पकड़ लो, इस गुणगन को चुनो अपने भाव से, उसका चारा चुनो। मृच्छालिनी महिष हंस शुका स्वभाव, शुक पोपट
पांचवे श्रोता का नाम है तोता, बिना समझे बोलता रहेगा लेकिन अर्थ नहीं समझेगा, राम 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 बोलता रहेगा लेकिन उसका अर्थ नहीं समझता। जिसकी कथा मैंने एक बार, गुरु समझा दे तभी उसको मुक्ति मिल जाए। तो कई श्रोता ऐसा है कि सूत्र पकड़ लेते फिर रटते रहते, उसको समझते नहीं। सदगुरु के पास से उस सूत्र को ठीक से समझ लो, ठीक से पी लो, बिल्कुल बिना समझे। मुझे कल एक ये भी पूछा गया कि शरणागति फिर अंधता नहीं मानी जाए? नहीं नहीं नहीं, शरणागति अंध नहीं होती। शरणागति को दो आंख नहीं चार आंख होती है मेरे भाई में। अंध शरणागत हो ही नहीं सकता, अंध केवल अधीन हो सकता है, शरणागत नहीं हो सकता। अंध को केवल एक ही लक्षण मिला, अधीन होना, दूसरा नहीं। हाथ पकड़ लिया और उनके पीछे चला। शरणागत तो चतुर अक्ष वाला होता है, चार आंखें होती है तभी शरणागत हुआ जाता है। शरणागति बहुत अंतिम भूमिका है और उसमें जाने वाले फिर ज्ञान भक्ति जो कलम चर्चा कर, वो अंत में तो कोई भेद है ही नहीं भाई, भेद है ही नहीं। जानने से शुरू करो और मानो, मानने से शुरू करो और जानो, लेकिन आखिर में तो पकड़ना एक ही, भेद है ही नहीं। लेकिन सबको अपना अपना पक्ष, ये सब कपड़े एक ही सूत के बने, लेकिन मैं कुर्ता पहनता हूँ, आप बुशर्ट पहनते हो, कोई कोट पहनता है, लेकिन सब में सूत एक ही है। आखिर में सूत में कोई अंतर नहीं है, सब अपनी रुचि। ज्ञान को ऐसे लगता है कि नहीं, हमको हमको उसी में मस्ती, इसी कारण ये सब विभाग बताए, बाकी अंततोगत्वा उसमें कोई कोई सवाल, कोई वो आता ही नहीं उसमें। तो ज्ञान की श्रेष्ठता और ये सब, फिर अंत में तो सब, हवाई जहाज एक बार उड़ जाए ना, फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान चीन कुछ नहीं दिखाई देता, फिर तो उड़ान। ये जब जमीन पर हो तब लगता है कि ये जयपुर, ये बम्बई, ये दिल्ली, लेकिन जब उड़ान भर जाता है, और उड़ान भर जाने के बाद ये समदृष्टि आ जाएगी, उसमें कोई भेद नहीं रहेगा। लेकिन उड़ान भरते समय एक वस्तु का ख्याल करना चाहिए, फास्टन योर सीट बेल्ट, सीट की पट्टी बांधे रखिए। एक सामान्य उड़ान में यदि सीट की पट्टी बांध रखनी पड़ती है तो अध्यात्म की उड़ान में तो आत्मसंयम बहुत आवश्यक है। हवाई जहाज में बोलते हैं ना कि धूम्रपान और सीट की पट्टी बंद कर दिए, फिर भी यात्रा में पट्टी बांधे रखना उचित है। ये बहुत अच्छा सूत्र है, बहुत। एक सामान्य जयपुर से बंबई जाने में यदि इतना संयम करना पड़ता है तो जीवन में प्रभु को पाने के लिए तो संयम और आत्मसंयम बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक, बहुत जरूरी। और एक ऊंचाई जब आ जाती है, क्या भेद बचता मेरे भाई, क्या भेद बचता। फिर तो सिया राम भाई सब जग जानी करूं प्रणाम। पर मैं हर सूत्र को इसीलिए सहज ले रहा हूं क्योंकि आपको बैलगाड़ी में बैठा करके घुमाना है ताकि आपका नशा उतर जाए और आपको पता लग जाए कि मेरा घर क्या है, मेरा असली मुकाम कहां है, वहीं आपको पहुंचाना। मृचालिनी महिषांश शुका स्वभाव, शुक तोता, तोते की तरह आप रटो, वो भी रटना भी अच्छा है, चलो तोते की तरह, लेकिन ज्यादा रस आप रटते तो हो तो फिर आपको उसका ज्यादा फल क्यों ना मिले। इसका तो अर्थ मैं कलयुग के सूत्र को ठीक से रखना चाहता हूं आपके सामने। आप ये ना समझे कि रटने का कोई फल नहीं है, कैसे भी रटो रटो, बाज कुबाज अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशी दस, लेकिन जब तुम रटते हो उसको आपको ज्यादा फल मिलना चाहिए, छोटा क्यों मिले। इसलिए आप सदगुरु से समझ करके सूत्र रटो, फल तो मिलेगा ही। मेरे राम कृष्ण का नाम कभी बेअसर नहीं होता मेरे भाई बहन, नहीं होता। वो कोई नाम नहीं है, वो मंत्र है, इसलिए बेअसर नहीं हो सकता। मृचालिनी महिषहंस शुकास्व भावा, शुक अश्व घोड़ो, आगे का श्रोता का नाम है अश्व, अश्व भाव से सुनो क्या लिखा है। मेरे शास्त्रकारों ने क्या क्या चिंतन, अनंत उपकार है इस देश के सदग्रंथों, अनंत। मैं तो आपको कहूंगा कि न मानो ना तो भी आपकी अलमारी में रखकर रोज प्रणाम तो करो कि ऋषियों ने क्या क्या तुम्हारे लिए मेहनत की है। ये जो पावर हाउस की, पावर हाउस से जो लाइनें निकलती है ना 1100 केवी जो जो निकलती है,
तो खंभे कोई खड़ा करता है, लाइन कोई खींचता है, तुम्हारे घर में आकर फिटिंग कोई कर देता है, बल्ब कोई लगा देता है, सब तैयार कर दे, तुम केवल अब स्विच दबाओ और उजाला हो जाए। ऋषि मुनियों ने तपस्या की, साधना मेरे तपोवनों ने की, महात्माओं ने ये सब हमारे लिए लाइनें डाल दी, अब तुम केवल स्विच दबाओ और उजाला हो सकता है। अश्व भाव, घोड़े भाव वाला, अश्व भाव वाला श्रोता, घोड़ा की क्या प्रकृति है? उस पर लगाम हो और सवार हो तब ठीक दिशा में चले। जैसे लगाम गई सवार गया फिर अपने ढंग से भागेगा। कई श्रोता के ऊपर जब तक सदगुरु की लगाम है, जब तक सत्संग की बागडोर है, उसका एक कंठी वाली बात मेरी समझ में बैठती नहीं। भाई मैंने बहुत बार कहा कि किसी के गले में कंठी डाले तो गुरु नहीं, गुरु तो वो है कंठी डालने वाला नहीं, तुम्हारा कंठ पकड़ने वाला गुरु है, तुम्हारा गला पकड़ ले कि तुम इधर से उधर ना हो पाओ, तुम हट ना सको, तुम्हारा कंठ पकड़ ले, वही गुरु है। कंठी तो प्रतीक है, देना चाहिए, लेकिन प्रतीक कंठ पकड़ ले तुम्हारा कि अब तेरी आवाज मेरे हाथ में है, अब तेरा स्वर तेरे ईश्वर के हाथ में है, तेरे मालिक के हाथ में, अब तू इधर उधर नहीं हो सकता। अब मैं जैसे सुकंठ का कंठ ही पकड़ा ना मेरे राम ने, सुग्रीव का नाम सुकंठ है, उसका कंठ पकड़ा तो कभी डांट कर, कभी प्यार से, कभी दुलार से, कभी प्रीत से, कभी सख्य से, कभी न जाने कैसे कैसे सदगुरु ट्रीट कर लेता है साधक को। तो घोड़ा, घोड़े के स्वभाव का श्रोता सवार होगा तब तक ठीक चलेगा। गुरु जी की मौजूदगी में ठीक, हमारे एक भाई हमको हर वक्त कहते कि बापू आप न हो तब हमको देखना कि हम कैसे हैं, मुझे अच्छा लगता है। आप होते तब तो सब सभ्य दिखाई देते, लेकिन आप चले जाए फिर देखना कि हम कैसे हैं, तभी असली पता लगता है। बात ठीक है। अश्व, अश्व स्वभाव, शुका स्वभाव, अश्व भाव, अश्व भाव, सदगुरु की लगाम होगी तब तक वो यज्ञोपवीत क्यों है भाई? ये सदगुरु की दी लगाम है, ये सदगुरु न हो तो भी समझ के लगाम उनके हाथ में है, एक तुझे डोरी से बांधा है, सतत तू पकड़े रख उसको कि तेरा गुरु तेरे पीछे खड़ा है। यज्ञोपवीत हमारे देश में इसलिए आई कि तुझे पकड़ा कटिभाग से, गले से तुझे पकड़ रखा, संयम और वाणी से तुझे पकड़ा है सदगुरु ने, तुझे पकड़ रखा। ये यज्ञोपवीत इसलिए है जनो, इसलिए सदगुरु से तुम नियंत्रित रहो, वरना तुम्हारा घोड़ा, तुम्हारा स्वभाव का घोड़ा, तुम्हारा मन का घोड़ा अड़ जाएगा, भटक जाएगा, अटक जाएगा। क्या से तो एक श्रोता का भाव वो है, मृत्यालिदि महिष हंस सुका स्वभाव मारदार काक मशकौध जलौक तुल्या। वाह, मारदार बिलाड़ी मारदार बिलाड़ी जैसे श्रोता, एक श्रोता का प्रकार है बिलाड़ी जैसे, उसका अर्थ मैंने उसका तो अर्थ में और ढंग में कई बार बोला हूं ना भाई, स्वामी रामकृष्ण परमहंस को कोट करके मैं बोला हूं कि बिलाड़ी को आंख में काजल लगा दो, पैरों में चांदी की घुंघरू बांध दो, हाथ में सोने के कंगन पहना दो और कीमती ढाका की मलमल की साड़ी उसको पहना दो, गले में हीरे का नेकलेस हार पहना दो, कानों में कुंडल, गले में हार, मोती की माला पहनाओ और उनके बाल को संवारो, लगा लो बाल उनको और फिर उनको होठ पर लाली लगा दो, हाथ में मेहंदी लगा दो, पैरों में मेहंदी लगा दो और सब तरह उसको सर्वांग सुंदर संवार लो और एक सुवर्ण सिंहासन पर बिलाड़ी को, मारदार को, बिलाड़ी या बिलाड़ी जो आप कहना चाहो उसको, उसको बिठा दो और दूध का केसर वाला कटोरा उनके सामने रख दो, लेकिन उनकी सभ्यता तब तक जब तक चूहे को नहीं देखती। जैसे चूहे को देखा पूरी सभ्यता बेकार और उछलेगी, चूहे को पकड़ लेगी। एक श्रोता का प्रकार है मारचार, जो ऐसे तो सुंदर रहेगा लेकिन जब अपना स्वार्थ का चूहा दिखाई देगा सभी सभ्यता सभी उपदेश ओढ़ घोर, वक्ता तारी ऊपर ले ओढ़ घोर तेरा तुझको अर्पण, बुमा बुम कर चले रात तारी गुजराती में मजा हुआ नहीं है।
और अब गुजराती में कथा नहीं है। मारजार बुला सब नर जाति का नाम है। उस ढंग से उसका अर्थ करना पड़ेगा। तो बिलाड़ी सुनते हैं तो बड़े अच्छे लगते हैं, कथा श्रवण से अच्छे दिखाई देते, लेकिन जब दुकान पर अपने काम में अपने स्वार्थ में जाते हैं तो फिर स्वार्थ के चूहे को देखते ही हम अपनी सभ्यता को छोड़। मृच्छालिनी महिष हंस शुका स्वभावा मारजार काक कौआ कौवे जैसा श्रोता, यहां चिंतन दिया है मेरे ऋषि मुनि ने, कौवे जैसा श्रोता काग जैसा। इसका अर्थ क्या करोगे? काग तो वक्ता है, काग भुसुंडी तो परम वक्ता है, लेकिन कौवा यहां श्रोता भी है। कौवे को मिष्ठान खिलाओ, दूध पाक खिलाओ, और मिष्ठान खाकर फिर वो विष्ठा में बिछा उठा लेगा। ऐसे श्रोता होते हैं राम रसामृत पीने के बाद फिर शराब भी पीने लग जाए, वो कौवे की तरह श्रोता है, जो भगवान के गुणगान सुनने के बाद फिर हराम में चांद डालेंगे। राम रसामृत भगवत चरित्र सुना है और फिर हराम में जाना, वो कौवे श्रोता का लक्ष्य, फिर गंदगी में जाना, फिर विष्ठा पर बैठना, फिर मलिनता में चले जाना, वो है काक श्रोता। मारजार काक मशकौ जलौक तुल्याहा, मशकौ मच्छर, मच्छर एक श्रोता का प्रकार मच्छर है, मच्छर की तरह। बहुत समझना ठीक से, इनमें तुम पकड़े जा रहे हो, कोई ना कोई आपका एक्सरे हो रहा है। हाँ, आप मेरे फोटो बहुत लेते हैं ना, आज मैं तुम्हारा फोटो ले रहा हूँ बिना कैमरा, एक कैमरा मेरे पास आ गया, मेरे ऋषि की दृष्टि आ गई। हाँ, किसी ने मुझे भेंट में दे दिया कैमरा, आपकी तस्वीरें ली जाती, एनलार्ज करके दिखाऊंगा गुजराती में, अपनी लेबोरेटरी में उसको हम धोएंगे, फिर उसको बताएंगे उसको ठीक कितना बोला जा सकता है उस पर। हाँ, बहुत बड़ा करके फ्रेम में बढ़ा करके आपको सबको एक एक कॉपी दे दूंगा मैं, कि आप जरा रखो उसको कि आप कौन पंक्ति में है। अच्छा, मैं भी आपके साथ हूँ। हाँ, मैं तो आप तो हमारे हैं ना, इसलिए ऐसे ही बोलता हूँ सबके साथ, क्योंकि तो मेरे श्रोता सब मेरा परिवार है अब। हाँ, पूरे देश विदेश में रहे हजारों लाखों की तादाद में मेरी व्यास गाड़ी के श्रोता, ये मेरा बृहद परिवार है। इस दृष्टि से मैं बोलता हूँ। मारजार काक मशकौ जलौक तुल्याहा, मशकौ मच्छर, तुम्हारे कान में मच्छर जब गुनगुनाता है तब मच्छर को कोई स्वार्थ नहीं है, फिर भी तुमको डिस्टर्ब करना। उनको कोई अपने कान के पास आकर गुनगुना से उनको क्यों खुराक मिलता है, उनको पद्मश्री मिलता है, वो पद्म विभूषण हो जाता है, कोई राष्ट्रीय अवार्ड का वो मालिक हो जाता है, क्यों हमारे कान में बेकार गुनगुन कर। हाँ, काटे और रक्त पिए तो आरोग्य नाशक जरूर है मच्छर। हाँ, आरोग्य नाशक है कि आपको काट ले तो आपको एक प्रकार का बुखार शुरू हो सकता है मच्छर के कारण, लेकिन काटे तब तो चलो कि भाई स्वार्थ है, लेकिन गुनगुनाते हैं कान के पास ऐसे श्रोता, और फिर काटता भी है। कई श्रोता ऐसे होते हैं कि वक्ताओं के कान पर के पास जाकर इधर उधर की गुनगुनाहट करते हैं और वक्ता नु लोई पी रहे, बैठा बैठा वक्ता नु लोई पी रहे, मशकाओ वक्ता का रक्त पी, फलाने ऐसा कहा था, हम फली कथा में ऐसा हुआ था, ऐसा था, ऐसा फला, ऐसा था, जो गुनगुनाते हैं तुम्हारे तुम्हारे कानों में। और जब तुम कथा सुनते हो तब भी तुम्हारी बगल में बैठा चालू कथा में बिना कारण तुम्हारे कान में गुनगुनाए तो समझो मशकाओ। सीधी सी बात है, खुली बात है, महत्व की बात हो, कोई काम खास हो और कहने संकेत तो बात और, लेकिन अकारण कई लोग ऐसा करते हैं कि भी कथा भी चलती रहेगी और ऐसा, कोई कारण हो तो जरूर करना चाहिए, लेकिन अकारण जब कोई ऐसा हो तो मशकाओ। मारजार काक मशकाओ जलौक तुल्य, जलो 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 चले ही जोंक जल वक्र गति जगती सलील समा, जलो इत चौट जाती है ना फिर छूटती नहीं, जलो
फिर कई लोग ऐसे श्रोता है कि सुनने के लिए वक्तव्य को नहीं पकड़ते, केवल वक्ता को ही पकड़ देते, उसको ऐसे वक्तव्य को नहीं पकड़ते, छोड़ देते, सूत्र को छोड़ देते हैं और केवल उसको पकड़ ले, उसको बस लगे रहे, चौंटे रहे, उनको उनको समय न मिलने दे, उनको समय का वो कर दे, बस लगे रहे, बाका रन लगे रहे जलों की तरह। वो श्रोता का एक प्रकार मृच्छालिनी महिष हंस शुकास्व हंस शुकास्व भावा मार्जार काक मशकौध जलौक तुल्याहार, उसके समान सच्छिद्र कुंभ, छिद्र वाले कुंभ, छिद्र वाले घड़ा, घड़े जैसा श्रोता, घड़े में पानी डालो लेकिन छिद्र है कब तक रहेगा, उंडो कुवो फूटी भूख की धू सांभड़ू सर्वे भूख, क्योंकि जिस घड़े में छिद्र है सूक्ष्म होगा तो भी धीरे 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 पानी निकल ही जाएगा, सुना और धीरे 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 निकल जाता है, बह जाता है, रहता नहीं। तो सुनते हैं और अब उसमें एक बात और है कि छिद्र जितना सूक्ष्म इतना ज्यादा पानी सकेगा, जितना बड़ा इतना जल्दी निकल जाएगा, हमारे चरित्र में जितने ज्यादा बड़े बड़े छिद्र होंगे उपदेश इतना जल्दी निकल जाएगा, सूक्ष्म होंगे धीरे धीरे निकलेगा। तो श्रोता को धीरे धीरे अपने छिद्रों को दबाना, इसको मिटाना, और वो कौन करेगा, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा बंदने यही जग जस पावा, साधु की शरणागति वो कर सकती है, तुम्हारे छिद्रों को मिटा दे, उसको दबा दे, इसको हटा दे और हमको कृतकृत्य कर दे। सच्छिद्र कुंभ, छिद्र वाला कुंभ, छिद्र वाला घड़ा, फिर उपदेश इसमें ज्यादा टिकता नहीं। सच्छिद्र कुंभ पशु सर्प शिलोपमाना स्ते श्रावका भुवि चतुर्दशधा भवंती, आगे का लक्षण पशु, पशु की तरह, पशु की तरह श्रोता हो, पशु को तुम एक बार कुछ समझा दो और फिर अभ्यास नहीं रहा तो पशु भूल जाता है। एक बार आपने पशु को समझाया लेकिन फिर उसको अभ्यास नहीं रहा ना तो फिर भूल जाता है। कई श्रोता ऐसे हैं कि सुनते हैं फिर उसका अभ्यास नहीं करते, होमवर्क नहीं करते, इसलिए फिर भूल जाते। उसको सतत, जो पशु को सतत याद दिलाया जाता है वो पशु फिर एक डचकारे में समझ जाता है, लेकिन जिसको एक बार आप समझाओ और फिर वो अभ्यास नहीं करे, बार बार उसका आवर्तन नहीं करे तो भूल जाता है, पशु जैसे भूल जाता है। उसको अभ्यास नहीं है इसीलिए गाय थोड़ा बड़ा होने के बाद अपने बछड़े को भूल जाती है कि ये मेरा बछड़ा है कि नहीं, और बछड़ा अपनी माँ को भूल जाता है। हाँ, बैल बैल एक ही माँ के पेट से आए हो लेकिन भाई भाई का रिश्ता उनको नहीं, एक दूसरे शिंग लगाते हैं क्योंकि उसको अभ्यास नहीं। तो कथा सुनने के बाद घर जाकर उसका अभ्यास करो, होम कथा तो क्लास टीचर जैसे कोई क्लास में पीरियड ले वैसे आपका आपका पीरियड लिया जा रहा, बाकी होमवर्क तो आपको दुकान पर करना है, घर पर करना है, पेढ़ी में करना है, कारखाने में करना, पत्नी के साथ करना है। कथा में तो तुम अच्छे दिखाई देते हो लेकिन तुम्हारी पत्नी के साथ तुम अच्छे रहते हो, वो तुम्हारा होमवर्क है। कथा में तुम अच्छे दिखाई देते हो, पति के साथ अच्छे रहते हो, वो तुम्हारा होमवर्क है। और ध्यान दो, क्लास में यूनिफॉर्म की जरूरत है, होमवर्क में कोई गणवेश की जरूरत। क्लास में जब जाओ तो स्कूल का गणवेश होता है, लेकिन जब आचरण करना उनमें भगवा हो तो भी ठीक, सफद हो तो भी ठीक, साड़ी हो तो उसमें कोई गणवेश नहीं। जब आचरण ही करना है फिर गणवेश क्या, होमवर्क में कोई यूनिफॉर्म हो सकता है? बच्चे को आप कहते कि नहीं स्कूली ड्रेस में ही होमवर्क करो, वहां तो कुर्ता पहन लेता है, पायजामा पहन लेता है। कथा तो आपका आपको क्लास की तरह दी जाती, घर जाकर होमवर्क करो, अभ्यास नहीं करोगे तो जैसे पशु भूल जाता है वैसे हमारी श्रोता श्रोतव्य ऐसा हो जाएगा। भाई सच्छिद्र कुंभ पशु सर्प, सर्प की तरह श्रोता होता है, सांप की तरह श्रोता है, श्रवण रंध अहि भवन समाना, सांप की तरह, सर्प की तरह सुनते हैं खूब लेकिन अहि गति जाती नहीं, सांप की वक्र गति कभी नहीं जाती, बस अही गति, उनकी चित्त की टेढ़ापन मिटता ही नहीं। जद पिसुधा बरसई जलत ले फुलैन बैत, जद पिसुधा बहुत कठिन, अही गति मिटती नहीं, सांप की तरह।
वक्रता उनकी छूटती नहीं, ऐसे श्रोता हो सर्प की तरह, सांप की तरह, अथवा तो उसका दूसरा अंग। सांप को दूध पिलाने से केवल विषवर्धन ही होता, कई श्रोता ऐसे होते हैं कि सत्संग से भी उनका विष बढ़ जाता है। हाँ, यही बड़ा भयानक श्रोतव्य है। सत्संग करने के बाद जिसका सत्संग पाया उनका ही द्रोह करेगा, उन्हीं के विपरीत करेगा, उनको डसने की चेष्टा करेगा। सुनेगा तब तक उनको जब तक उनकी मनमानी उन्होंने की, लेकिन जब मन के अनुकूल नहीं हुआ तो फिर उनको ही डसेगा, उनका अपराध करेगा, उनका बुरा करेगा, पैपान से जैसे सर्प का विष बढ़ता। देखो भाई, इसमें सत्संग का दोष नहीं है। वर्षा का बिंदु तपे हुए लोहे पर पड़ता है ना तो छम करके उड़ जाता, कोई परिणाम नहीं। मद जर हाथी के मस्तक पर पड़ जाए कुछ नक्षत्रों के जल बिंदु तो हाथी के मस्तिष्क में मोती पक जाते। वही जल बिंदु स्वाति का हो और वही निश्चित की गई मछली के जात के मुंह में गिर जाए तो 1,25,000 का मोती पक जाए। और वही बिंदु कहते हैं सांप के तल पर पड़ जाए तो उसका विषवर्धन हो जाता है। सत्संग तो सबके लिए, लेकिन तुम किस ढंग से सुनते हो ऐसा उसका परिणाम। स्वाति नक्षत्र के बिंदु को लोचन चातक जिन कर राखे रही सदा जलधर अभिलाष, इस तरह यदि आप सुनते हो तो 1,25,000 का मोती हर सूत्र प्रकट हो सकता है। एक सूत्र जीवन का मंगल सूत्र बन सकता है। तुम कभी वैधव्य नहीं हो सकते, तुम्हारा जीवन सुहागन हो सकता है, हरि से कभी बिछुड़ना नहीं हो सकता। एक सूत्र जीवन का मंगल सूत्र बन सकता है। सर्प, सर्प की तरह श्रोता होते हैं। उसके दो अर्थ अभी फिर तो जितना हो सकेगा हम करेंगे, आपको बताएंगे खोल खोल कर। तो सर्प की तरह जिसका सुनने के बाद भी कई लोग मेरे पास आते हैं कि बाबू कई लोग इतना सुनते हैं लेकिन स्वभाव क्यों सुधरता नहीं, और ज्यादा कई कई लोगों का बिगड़ा। बोलो, इसमें कोई हमारी असफलता नहीं है, उसकी भूमिका का दोष है। इसमें कोई बादल की कोई असफलता नहीं, बादल क्यों नाराज हो। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि जो कई लोग मुझे पूछते हैं बाबू कई लोग आपके पास बहुत रहते हैं लेकिन ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं, जड़ व्यवहार मूठ व्यवहार ऐसा क्यों करते हैं। तो हम उनको जवाब देते हैं कि भाई दिया सली की पेटी में दिया सली फैक्ट्री से जब पैक हुई ना तब से है, लेकिन कभी रोशनी नहीं हुई क्योंकि दियासली निकाल कर घिसना पड़ता है तभी रोशनी। केवल निकट रहने से क्रांति नहीं होती, सूत्र को घिसना पड़ता है, उसको तो चकमक को घिसना पड़ता है, फिर उससे उजियारी फिर उससे ज्योति। बाकी दियासली उसमें रह जाए 100 साल तक तो भी रोशनी नहीं हो सकती। साथ रहना पर्याप्त नहीं है, जीवन को बनाना, जीवन को ऊपर उठाना वो आवश्यक है। अथवा तो साथ रहने में पूरी शरणागति हो तो भी मैं शरणागति वाला सूत्र छोड़ने वाला नहीं, वो तो हमारा अंतिम भाव मेरे भाई में। या तो शरणागति हो कि भाई दियासली भी तू निकाल घीस पर तू, दीप भी तू जला, घी भी तू सींच, चिमनी भी तू लगा, वायु से भी तू बचा, जो करना तू, लेकिन इतनी शरणागति जरा कठिन भी, षड्विध शरणावत शरणागति जरा कठिन भी। सच्छिद्र कुंभ पशु सर्प शिलोपमाना स्ते भुवि चतुर्दशधा भवन्ति शिलो, शिला शिला पत्थर, शिला शिला की तरह श्रोता होते। पानी शिला पर पड़ा ठीक रहा फिर उड़ गया, बस कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, शिला शिला का तरह, शिला पत्थर की तरह, जैसे कोई परिवर्तन उसमें नहीं होता। लेकिन मैं तो ये कहूंगा एक सिद्धांत के रूप में कोई वो नहीं, लेकिन एक वस्तु तो जरूर कि शिला के ऊपर बार बार पानी पड़ता रहे ना तो उसमें भी कभी न कभी तिराड़ हो जाए। देखो बुद्ध का एक शिष्य तिबेट में बनी घटना है ना, उसके गुरु ने कहा कि तू कुछ ना कर, ये जो दीवार है ना उसके सामने टकटकी लगाए बैठा, न जप न तप न ध्यान न धारणा न सब कुछ, बस टकटकी लगाए 12 साल बैठा तो दीवार टूट गई, केवल देखता रहा ताकता रहा दीवार टूटी।
आप मानेंगे, लेकिन वैज्ञानिक सत्य है, ईश्वर ने बालू नहीं बनाई है, सब कुछ बनाया परमात्मा ने संसार में। ये जो रेत है ना, वो तो बालू नहीं बनाया, ये रेत सदियों से युगों से बरसात का प्रहार पत्थर खाते आए, समंदर की थपाटे खाते के कारण ये बालू बन गई है। तो कभी न कभी असर होगा, क्योंकि शिला वाला जल्दी नहीं दिखाई देता, लेकिन कभी न कभी शिला टूटे कि तदपि कही गुरु बार ही बारा। हमारे तुलसी जी कहते हैं, मेरे गुरु ने बार बार कथा सुनाई, तब कभी मुझमें सुधार। तो सच्छिद्र कुंभ पशु सर्प शिलोपमाना ते श्रावका भुवि चतुर्दशधा भवन्ति। हो गया चौदह, ते श्रावका भुवि चतुर्दशधा भवन्ति। ये चौदह प्रकार के पृथ्वी ऊपर श्रोता है, इनमें से हम कौन प्रकार में हैं वो देखना है। ऐसे सुने कि हमारी स्मृति आ जाए, हमारे ज्ञान का बादल हट जाए, तो हमारा केंद्र और हमारा इष्ट कई लोगों का एक होते हुए भी अपनी इस रुचि के अनुसार बिलक बिलक फल। शिव के उपासक रावण, लेकिन अहंकार वाला पक्ष जानकी को न पा सका। राम शिव के भक्त, विश्वास वाला पक्ष जानकी ने जयमाला पहना ली। परशुराम जी शिव के भक्त, लेकिन क्रोध वाला पक्ष, इसलिए ज्ञान बोझ नहीं निकाल पाया। अरे जानकी परशुराम जी को तो कहाँ मिले, उनका तो ज्ञान था वो भी चला गया, देत चाप आप ही चली गए, उनका तो जो था वो भी गया। और तो फिर मेरे प्रभु ने जब निर्णय कर दिया, तब जाना राम प्रभाव, तब पुलक प्रफुल्लित गात, वो जोरी पान बोले वचन प्रेमन हृदय अमार। आइए बोले आप, जय रघुवंश बन भा, जय रघुवंश बन भा, से
छवि को अनंत जय तक जो हमारी सूत्रात्मक चर्चा चली वो ये थी, आप सब जानते वहीं से दौड़ पकड़े कि करो काह मुख एक प्रशंसा, मैं एक मुख से आपकी प्रशंसा कैसे करूं। और उसको कई दृष्टि से हमने देखा था, जय महेश मन मानस हंसा, हे प्रभु आप भगवान महेश के मन मानस के हंस हैं। और उसको भी हमने कई दृष्टि से आपके सामने रखा था। और आज का सूत्र उसको पकड़े, बड़ा मधुर सूत्र है, बड़ा स्वाद वाला सूत्र है। लेकिन मैं इस सूत्र में जाऊं इससे पहले आइए दो पांच मिनट हरि नाम ले लें, फिर इस सूत्र की जय। हरे राम 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 हरे राम Thank you.
राम राम हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम राम
सीता राम 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 वृंदावन राधे 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 अब ठीक से आगे के सूत्र में विनम्रता से प्रवेश करें। बाबा बोले अनुचित अनुचित बहुत कहे अनुचित बहुत कहे अज्ञाता अनुचित बहुत कहे अज्ञाता परशुराम जी कहते हैं इतनी जो निवेदन उन्होंने किए। अब हाथ तो मैं कल भी आपसे कह रहा था कि जोड़े हुए ही हैं, अब ज्यादा ढीले हो गए हैं, अब फल पक गया है, अब डार से छूटने वाला है, अब सभी ममता के रस समाप्त हो गए। अभी तक जड़ धनुष में भी ममता थी, लेकिन अब देखो ये फल कबीर की बोली में पक गया है। और जैसे पत्ता टूटा डार से, जैसे पान पीला हो जाने के बाद फिर कोई भी बहाना केवल निमित्त बन जाता है उसको गिरने के लिए, तो अब ज्यादा परशुराम जी ढीले हैं।
बहुत सुंदर, अनुचित कहो बहुत अज्ञान। मैंने अज्ञानता के कारण आपको बहुत अनुचित वचन सुना दिए। बड़े सावधान है मेरे बाबा जी। परशुराम जी को पता था कि ये बात मैं ऐसे नहीं रखूंगा तो शायद राम जी मेरे सामने तर्क कर सकते हैं कि एक दो बात नहीं, तुमने कई बात अनुचित हमको सुनाई, कोई तुमने कमी नहीं छोड़ी। और अब किस मुद्दे पर आप क्षमा मांग रहे? तो कह रहे हैं महाराज, आप ही तो मेरे पास आपके भाई के लिए क्षमा मांग रहे थे, और इसी मुद्दे पर तो आप मांग रहे क्षमा हूं। चूक अनजानत केरी, लखन जी जब बहुत बोल गए ना तो आपने उनकी ओर से मुझे यही तो कहा था, अनजान है, अज्ञान है, नादान है, मेरा छोटा भाई है, आप अज्ञान की चूक को भूल जाओ, छोड़ दो। तो महाराज आप जो विनय कर रहे थे ना, आज मैं आपसे यही विनय कि मेरी अज्ञानता भी भूल जाओ। अनुचित बहुत कहो अज्ञात, और जो बहुत शब्द लगाया ने उनमें तो सब आपको गिनती करनी पड़ेगी, कितने हो गए पहले से लेकर जितनी जितनी जो उनका जो संघर्ष हुआ लक्ष्मण जी के साथ, राम के साथ, जो वाणी का, इनमें कितने कितने कटु वाक्य वो बोले। अब वो क्षमा मांग रहे, पहले तो जरा भी क्षमा मांगने को तैयार नहीं, दंड देने पर तुले थे, लेकिन अब क्या हुआ, मैंने इसलिए इस आज की कथा का आरंभ का कि अब स्मृति आ गई, अब पर्दा हट गया। सुनी मृदु गूढ़ वचन रघुपति के, उघरे पटल पर सुधर, अब स्थितोस्मी है, अपगत संदेह है, अब वो न्याय लागू हो रहा है गीता का, खैचहु मिटे मोर संदेह, अब गत संदेह हो गए, अब संदेह नहीं बचा, अब भान हुआ, अब जागा। अनुचित बहुत कहु अज्ञात, मैंने अज्ञानता के कारण बहुत भली बुरी बातें आपको सुना दी। योग वशिष्ठ में भगवान राम को वशिष्ठ जी ज्ञान की साथ भूमिका समझा रहे हैं और अज्ञान की साथ भूमिका समझा रहे हैं। ज्ञान की साथ भूमिका तो आप जानते हैं, शुभेच्छा विचारणा सत्पान आदि आदि मैंने पहले भी कभी चर्चा की, लेकिन और साथ भूमिका, लेकिन ये बहुत गहन है इसलिए मैं उनमें आपको न ले चलूं, ऐसा मेरी समझ है। लेकिन भगवान शंकर ने शास्त्र में कुछ बातें कही, वो आपके सामने रखूं विनम्रता से। आदमी अज्ञानता के कारण कुछ गड़बड़ कर लेता है तो वो अज्ञानता है क्या, बस वो पकड़ में आ जाए ना, एक बार रोग पकड़ में आ जाए तो फिर औषधि का निर्णय हो सकता है। बिना रोग पकड़े औषधियों के तो औषधालय भरे हैं, जड़ी बूटियों से ये देश की भूमि भरी पड़ी, लेकिन कम से कम मरीज का रोग ठीक से निदान हो जाए। ये परशुराम थोड़े अकेले बोलते, हम जिंदगी भर अज्ञानता के कारण ही तो दूसरों के सामने भला बुरा बोल बोल कर जीवन बिगाड़ रहे हैं, ये हम सबकी कथा है ना। तो उसका उसकी बुनियाद क्या है, उसकी भूमि क्या क्या है, जड़े कहां है उनकी इस अनुचित वचन। अब परशुराम जी को लग रहा है कि कहां राम के वचन, सुनी मृदु गूढ़ वचन रघुपति, और कहां मेरे अनुचित वचन, तुलना कर रहे कहां राम कहां मैं, और मैंने इतने इतने कटु वाक्य कहे तो भी कहते रहे मारत हूं पापरिय तुम्हारे, तुम मारोगे ना तो भी हम आपके चरण में ही रहेंगे, सब प्रकार हम तुम सन हारे, हर प्रकार से हम आपसे हार चुके हैं महाराज, प्रभु और सेवक को समर नहीं हो सकता, दिंगाणा नहीं हो सकता, स्वामी और सेवक में लड़ाई इस देश की परंपरा नहीं है भगवान, ये आप कहते थे और मैंने आपको कैसी कैसी बातें सुना दी, क्षमा मांग रहे। और देखिए जब आदमी क्षमा मांगता है किसी से, क्षमा में बहुत, क्षमा मांगने में आप किसी से रुपया मांगो, प्रतिष्ठा मांगो,
किसी से पद मांगो, सम्मान मांगो, गहना मांगो, तो उसमें इतनी रुचिता नहीं है। लेकिन जब आप किसी से क्षमा मांगो तब आप कोई बिलक ढंग के हो जाते, तब आपकी शक्ल चेहरा कुछ और ही हो जाता है। उस समय क्षमा देने वाला शायद कुछ और ढंग का बन जाए, संभव है अहंकारी हो जाए, हम क्षमा के दाता है, लेकिन मांगने वाला बड़ा दर्शनीय हो जाता है। आज परशुराम जी बहुत रुजू है, अनुचित बहुत कहेऊ अज्ञाता। अज्ञान का सीधा साधा अर्थ मेरे भाई, जो ज्ञान से विपरीत हो वो अज्ञान, ठीक है ना, जो प्रकाश से विपरीत अंधेरा, सीधा सा अर्थ है, हमारी सामान्य समझ में उतर जाए इसलिए, कि ज्ञान से जो विपरीत वो अज्ञान। और क्या भाई, प्रकाश ज्ञान है, अंधेरा अज्ञान है, सीधी सी बात है। भगवान शंकर ने 10 बताए। हमारे यहां ऐसी भारतीय परंपरा है कि ज्ञान, कोई ज्ञानी है ना, उसके लिए आप अनुमान ही कर सकते हो, ठीक से समझना, वो ज्ञानी है कि नहीं वो तो वही समझ सकता है, आप तो केवल अनुमान ही कर सकते, ये नियम है। 7 वस्तु का अनुमान जो भोगता है वही समझ सकता है, दूसरों को अनुमान करना पड़ा। चिंता दूसरा अनुमान ही करेगा, जो भोगता है उसको ही पता लगता है कि चिंता क्या है। तंदुरुस्ती दूसरे को अनुमान ही करना कि बहुत अच्छा तगड़ा शरीर है, बहुत स्वस्थ है, लेकिन तंदुरुस्ती वस्तुतः क्या है वो जो भोगता है उसी को ही पता लग जाएगा, दूसरा नहीं समझ सकता। तृषा तरस, तृषा दूसरा अनुमान करेगा लेकिन जिसको लगेगी उसी को ही पता लगेगा कि तृषा कौन वस्तु। क्षुधा भूख, दूसरा अनुमान करेगा, जो जानेगा वही तो समझ सकेगा, जो भूखा है वही समझ सकता है कि भूख क्या है। चिंता, तंदुरुस्ती, तरस, भूख, प्रेम दूसरा अनुमान करता है, प्रेम जो करता है वही समझ सकता है कि वस्तुतः प्रेम की भूमिका क्या है, प्रेम कौन चीज है, वो कौन देश का बासी है, वो कहां मिलता है, वो तो अनुमान किए, लेकिन जिसने उतरा उनमें वही जानता है। इसलिए मैंने कबीर की बात आपको सुनाई थी, कबीर ने ठीक कहा कि बोली हमारी पूरब की, बोली हमारी पूरब की, हमें लखे ना कोई, हमको तो वही लखे जो ठेठ पूरब का हो, जो वही का होगा वही हमको पहचान पाएगा। घायल की गत घायल जाने, उस सिद्धांत के मुताबिक प्रेम अनुमान कर सकते। कोई दो व्यक्ति को देखकर, उसकी हंसी खुशी देखकर, उसका अभाव देखकर कोई कह सकता है कि शायद प्रेम होगा, लेकिन प्रेम है कि वासना, वो तो वो दोनों ही समझ सकते हैं, आप और हम नहीं समझ सकते कि वहां अनुराग है कि राग, वहां मोह है कि नेह, हम नहीं उसका निर्णय कर सकते। चिंता, तरस, भूख, तंदुरुस्ती, प्रेम और पीड़ा, रोग। आपको बुखार चढ़ा है, इस बुखार के समय आपकी तन की और मानसिक स्थिति क्या है वो तो तुम ही, शत प्रतिशत तो तुम ही जानो, देखने वाला नहीं जानो, देखने वाला इतना नहीं समझ पाता। ये जो पीड़ा है, ये जो दर्द है, इसलिए मीरा गाती रहती थी, दीवानी मेरो दर्दन जाने को, हेरी मेरो दर्द, दीवानी मेरो दर्दन जाने। बहुत सुंदर बातें मीरा ने कही, ना मैं जानू आरती वंदन, ना मैं जानू ना आरती ना वंदन ना भजन ना भक्ति, ना मैं जानू आ
अति मंदन नामे जानू आरती मंदन ना पूजा बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे। तो पीड़ा और दुख, पीड़ा के सामने वाला सुख आनंद जो कहो, वो भी जिसको होता है वो ही जाने। इसमें स्वानुभव ही काम कर सकता है, दूसरा सदैव अनुमान करता है। वेदांत कहता है कि आप कोई जंगल में जा रहे हैं मान लो, और कोई पहाड़ी दिखाई दे रही है सामने और वहां धुआं उठ रहा है, तो आप अनुमान कर लेते हैं कि वहां अग्नि हो सकता है, जो न्याय है वहां अग्नि हो सकता है। लेकिन जलना कैसा होता है वो तो जो जल रहा होगा उसको ही पता नहीं कि वेदना क्या है, पीड़ा क्या है, जलन क्या है, सो तो वही जानेगा। तो ज्ञान के बारे में भी यही बात आई है शास्त्रों में कि भाई कोई ज्ञानी है उनके लिए आप तो अनुमान ही कर सकोगे। कोई कोई हमको कहे कि खड़े, किसी को भी कोई कहे कि आप बहुत बड़े हैं, आप ज्ञानी हैं, आप फला है, आप फला है, तो वस्तु तो वही जानता है कि हम कितने ज्ञानी, हम कितने पानी में है, बाकी तो लोग दे देते। इसलिए भक्ति मार्ग में दूसरों के प्रमाण पत्र नहीं चल सकते, नहीं चल सकते। भक्ति मार्ग में तो जब भीतर से आवाज उठे कि ठीक है ठीक है ठीक है, या तो सदगुरु प्रमाण पत्र दे तो बात बने, दूसरों की वाणी पर भक्ति नहीं नापी जाती, दूसरों का कोई ठिकाना नहीं। आज तुम्हें वाह कहेंगे, कल तुम्हें आह देंगे, ये संसार का क्या ठिकाना, ये युगों से ऐसा ही कर रहा है, ये दुनिया है, ये किया नहीं है। दुनिया का भाव ही दो है, दो भाव में रहता है, इसमें इसमें क्या। भक्ति मार्ग में तो तुम ज्यादा आगे बढ़ोगे तो तुम्हारे परिवार के सदस्य भी तुम्हारे लिए बुरा बोलेंगे, तो दूसरों से अच्छी अच्छी बात की अपेक्षा कैसे की जाए। हमारी यात्रा कहां पहुंची वो हमारे पैर ही जान सकते हैं, दूसरों के पैर नहीं, वो अनुमान कर सकता। तो ज्ञान का विपरीत अज्ञान है, और ये ज्ञान के कुछ अनुमान बताए हैं। हमको पता लगे कि भाई देखो ये दूध का चांद है, हमारे देहातों में आपने सबने देखा होगा, देहातों में आप देखा होगा कि जब कोई चांद के दर्शन का दिन आए तो बड़े बुजुर्ग होते हैं, देख नहीं पाए ठीक, तो सशक्त सक्षम होगा वो क्या कर, अरे देखो दादाजी ये जो नीम का पेड़ है ना, उसके ऊपर वाली जो शाखा है ना दिखाई देती है आपको, बोले हाँ, बस उनके ऊपर की जो बिल्कुल ऊपर की जो टहली है ना वो दिखाई देती है, बोले उसको छू कर दूध का चांद है। कहाँ दूध का चांद, कहाँ नीम का पैर, नापने से नाप न पाओ इतना अंतर। लेकिन कोई ना कोई तरीका तो होना चाहिए दिखाने का, ये शास्त्र सब संकेत है, एक सब इशारे है कि बस ऐसे ब्रह्म को देखो, ऐसे मानवता को देखो, ऐसे तुम्हारे गौरव को देखो, ऐसे तुम्हारी अस्मिता और तुम्हारे संस्कार और तुम्हारी सभ्यता को देखो, ये सब संकेत है, इशारे हैं। शास्त्र में जितनी बातें बहुत बड़े मधुर संकेत है, जितनी जितनी कथाएं हैं वो भी सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए कोई ना कोई, कभी स्थूल रूप में कभी सूक्ष्म रूप में, ये एक नियम है। कोई भी सिद्धांत बिना दृष्टांत आप नहीं समझ सकते,
सीधी सी बात, कोई भी सिद्धांत को समझा, सिद्धांत तो बिल्कुल छोटा सा होता है, लेकिन उसको समझाने के लिए एक मकान बनाना है तो सीमेंट चाहिए, स्टील चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, तभी मकान बनता है, तभी उसमें आदमी विश्राम कर सकता है। सिद्धांतों में विश्राम प्राप्त कराने के लिए भागवत में तो वक्ता का लक्षण बताते हुए व्यास जी ने कहा वक्ता दृष्टांत कुशल होना चाहिए, वो दृष्टांत कुशल हो, इस संकेत करने पड़ते हैं। हमारे देहातों में ऐसा हमने सुना, पहले हम कहते कभी कभी कि एक चौमासा वर्षा ऋतु आने वाली थी, तो एक देहात के छोटे बड़े मकान होते, उसके वो देशी नलिए का मकान था, तो उसको प्रतिवर्ष ठीक करना पड़ता है ना नलिए को, तो एक जवान लड़का अपने इस देहाती मकान को वर्षा ऋतु आने वाली थी तो उसके नलिए ठीक कर रहा है कि पानी फिर न गिरे। तो धूप थी बहुत, एक बज गया दोपहर का, तो उसका बूढ़ा बाप जो था वो चिल्ला रहा था, अरे नीचे उतर भाई, हम कल दो आदमी को पैसे देकर मजूरी देकर हम उनसे करवा लेंगे, इतनी कड़ी धूप, तू बीमार, तू नीचे आ। वो कह रहे पिताजी क्यों चिल्लाते हो, मैं कोई मिट्टी का थोड़ा हूं, गिर जाऊंगा बिगड़ जाऊंगा, अरे जवान आदमी हूं अभी, इसमें दूसरे को पैसे देने की जरूरत नहीं, एक दिन की प्रतीक्षा कर, मैं अभी ये दो लाइन बाकी अभी, अरे तुम्हें नीचे उतर मैं तुम्हें कहता हूं, बाप चिल्ला रहा। और वो बेटा भाव से कर के, दादा पिताजी आप क्यों ऐसी चिंता करते हो। एक घंटे तक पिता ने चिल्लाया लेकिन वो उतरा नहीं, कोई ना कोई बात पर बोले अभी आया, और वो कहता है उतर उतरता नहीं। तब वो बूढ़ा तो बड़ा अनुभवी था, वो जो नलिया ठीक कर रहा था ना जवान बेटा, उनको भी एक बेटा था छोटा, वो पलने में सोया था, तो बूढ़े ने क्या किया, वो पलना उठा करके कमरे से निकाल करके आंगन की धूप में रख दिया, उसके छोटे बेटे को रख दिया, और वो नलिया ठीक करते करते देखता है तो उसने देखा कि मेरे बालक को वहीं रखा, और चिल्लाया अरे पिताजी आप ये क्या कर रहे हैं, फूल जैसा बालक धूप में। तो बोले तुझे तेरे बेटे की चिंता है तो मुझे मेरे बेटे की नहीं, उतार। फिर उतर गया वो। फिर बिना दृष्टांत सिद्धांत को स्थापित करना बड़ा करीब करीब मुश्किल लगता है, उसके लिए सूत्र के लिए कोई ना कोई संकेत चाहिए। ऐसे दूज का चांद दिखाया जाता है। तो ज्ञान के लिए कुछ संकेत है, कुछ अनुमान किए जाते हैं, और ये सब भगवान शंकर ने, बाकी ज्ञान है कि नहीं वो तो ज्ञानी ही जान सकता है भाई, कि कितना है क्या है हम कहां पहुंचे हैं, वो तो पथिक ही जानता है, दूसरा नहीं जानता। अक्रोध वैराग्य जितेंद्रियत्वम, शंकर जी ने 10 लक्षण बता दिए दादा, शास्त्र वचन है, और ये जो दास है उनके 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 उल्टी सब अज्ञान दशा, और उसी अज्ञान दशा के कारण हम संसार में अनुचित बोलते रहते हैं, दूसरों को ऐसा करते रहते, अनुचित बहुत कहू अज्ञात। अक्रोध वैराग्य जितेंद्रियत्वम क्षमा दया सर्वजनप्रियत्वम, बहुत मधुर बात है, बस इन सब का जो उल्टा हो जाएगा वो अलोभ दाता भय शोक हरता, अलोभ दाता भय शोक हरता ज्ञानस्य चिन्हम 10 लक्षणा, ज्ञान के ये 10 लक्षण, और ये ज्ञान के जो लक्षण 10 लक्षण शंकर जी ने बताए उनका 10 विपरीत वो हमारा अज्ञान है, और यही अज्ञानता के कारण हम संसार में अपने जीवन को ठीक से संतुलित नहीं कर पाते। पहला अक्रोध, अपने जीवन में क्रोध न होना वो ज्ञान है, और अज्ञान क्रोध करना है। परशुराम जी कहते हैं मुझ में क्रोध है, पहला प्रकार का ज्ञान मुझ में है। जब भी आप क्रोध करो, कई लोग क्रोध का बचाव इस मुद्दे पर करते हैं कि हम सकारण क्रोध करते हैं, ठीक है सकारण क्रोध कभी कभी परिवार को ठीक रखने के लिए जरूरी है, मैं कबूल करता हूं, लेकिन एक बात तो आपको नहीं भूलनी चाहिए कि आखिर क्रोध दोष ही है, गुण नहीं है। गीता ने उसको नरक का द्वार बताया है, और रामचरितमानस ने नरक का पंथ कहा है। नारद जी को बहुत गुस्सा आ गया भगवान विष्णु के ऊपर,
वो विश्व मोहिनी को लेकर निकल गए, नारद जी रह गया, उसको पाना था विश्व मोहिनी को, ले गया विष्णु। तो महात्मा बड़े रोष में आ गए और निर्णय किया कि या तो वो नहीं या तो मैं नहीं, बस उसको आज मिले तो विष्णु को ठीक से पकड़ो। आज तक हमने बिना पर उनके गुणगान गाए लेकिन उनके दोष दुनिया को नहीं दिखाए, अब दोष दिखा दे कि मूल बात क्या है। तो नारद जी भागे जा रहे, कथा आपने बहुत बार सुनी है। तो तुलसीदास जी ने क्या लिखा, बीच ही पंथ मिले धनुजारी, भगवान रास्ते में मिल गए, पंथ पर मिल गए, रास्ते में मिल गए। और नारद जी भागे जा रहे हैं और क्रोध में तो पता नहीं रहता, भान नहीं रहती, तो भागा जा, भगवान ने बीच में रोका, अरे महाराज कहां जा रहे हो? बोले विष्णु के पास, आपके पास जा रहा हूं। तब प्रभु ने कहा कि महाराज मेरे पास आने का ये रास्ता नहीं है, अब तो क्रोध करके जा रहे, और क्रोध तो नरक का रास्ता है, स्वर्ग का रास्ता है, ये विष्णु का रास्ता नहीं है, ये मुझे पाने का रास्ता नहीं, ये नरक का मार्ग है, इसलिए मैं आपको बीच में रोक रहा हूं महाराज, कि आप नरक में पड़ जाओगे, आपकी खराब परिणाम आएगा। बीच ही पंथ मिले मंगल हो, पंथ मिले दानु जारी, आयोजन करके कभी कभी आदमी क्रोध करता है परिवार के सदस्यों को ठीक रखने के लिए, वो जरूरी है कि भाई हम थोड़ी डांट नहीं रखेंगे तो हमारे संतान सभ्यता चुक जाएंगे, भगवान की हम पर कृपा है सब सुविधा है तो ये विलासी हो सकते हैं यदि हमने आंख ठीक नहीं रखी उनके सामने, तो भविष्य के सुधार के लिए थोड़ी डांट आवश्यक है। लेकिन वो क्रोध करने वाला ये सूत्र तो नहीं भूले कि आखिर क्रोध दोष तो है ही, कौवे को कितना ही दूध से नहाओ लेकिन हंस नहीं हो सकता, काकस्य गात्रम यदि कंचनस्य माणिक्य रागो यदि तंतुदेश, एक एक पक्षे ग्रसितम मणिना तथापि काको न तो राजहंस, बाईस पाली अति अनुरागा कबहु निरामिष होई कि कागा। दोष तो दोषी है, शास्त्रों में क्रोध को चांडाल कहा है, चांडाल। एक राजा ने एक ब्राह्मण पर बहुत गुस्सा कर लिया, बहुत क्रोध किया और ब्राह्मण को देश निकाल कर दिया, निकल जाए ब्राह्मण को, ब्राह्मण का अपराध सम्राट ने कर दिया, और ब्राह्मण अब राजा का हुक्म करे भी क्या, तो बेचारा ब्राह्मण गरीब अकिंचन अनिकेत घर छोड़कर जा रहा है, आंख में आंसू, अब क्या हो, राजा का हुक्म कौन मनाए, कौन सफाई देने जाए वहां। इतने में गाँव का एक स्वपच, बाजार साफ करने वाला जिसको लोग स्वपच कहते हैं, रोज बाजार साहब, वो ब्राह्मण के साथ उनकी दोस्ती थी, ऐसे परिचित, तो रोते हुए ब्राह्मण देवता को देखा तो उस स्वपच ने कहा कि महाराज क्यों रोते, उन्हें कोई गुनाह तो नहीं लेकिन कैसे सफाई दे, किसी ने राजा के कान में कुछ ऐसी तैसी बातें सुना दी और राजा ने मुझे बहुत क्रोध करके निकाल दिया, कैसे डांटा मुझे, क्या बताया आपको। अच्छा कोई बात नहीं, चिंता मत करो, मैं ठीक कर लूंगा। वो स्वपच वो भंगी बोल रहा, तो बेचारा वो झाड़ू लेकर राजा के महल के पास पहुंच गया और चिल्लाने लगा, अरे वो सम्राट, अरे वो मालिक, जरा बाहर आओ। राजा बाहर, क्या है भाई, क्या बात, क्यों चिल्लाते? हाँ बोले जरा भेज दो ना उसको। किसको? बोले मेरा भाई आपके भवन में आ गया, उसको जरा बाहर निकाल दो ना। तेरा भाई मेरे भवन? बोले हाँ मैं चांडाल हूं ना और आपको क्रोध आ गया ना, वो मेरा भाई है, जरा उसको भेज दो ना, उसको आप कहां भवन में रख दो, उसको जरा धक्का लगा दो। राजा की बुद्धि ठीक हो गई और कहते हैं उसको ब्राह्मण के पैर पकड़ करके, ब्राह्मण को अक्रोध ज्ञान का अनुमान है,
देखो फिर भी ज्ञान है ही ऐसा नहीं, ये सब अनुमान है। बहुत अच्छा लगता है मुझे, कोई कभी क्रोध न करे तो भी ये मत मान लेना कि ज्ञान ही है। ज्ञान देना गुजराती में कहो तो अंदर से हम तो घड़ी घड़ी ऊपर से नहीं बोलता लेकिन भीतर से चलता होता है। अक्रोध देखते ही ये अनुमान है, ये इशारा है, संकेत है, ताकि मान नहीं लेना कि क्रोध वो ज्ञान हो गया। अक्रोध ज्ञान, अक्रोध वैराग्य जितेंद्रियत्वम वैराग्य। तो परशुराम जी यहां अज्ञानता की घोषणा कर रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि मैं अक्रोधी नहीं हूं, मैं क्रोधी हूं। बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी, तो मेरी अज्ञानता की भूमिका है, इसलिए वो क्षमा मांग। दूसरा लक्षण वैराग्य, विराग हो वो ज्ञान है। परशुराम जी सोचे विराग का उल्टा अज्ञान, विराग का उल्टा राग, और मुझे यही धनु पर ममता के ही है तू, मेरा राग अभी छूटा नहीं। मुझे एक धनुष टूटने पर इतना गुस्सा आ गया, अरे जड़ टूटा तो भी ठीक, रहा तो भी ठीक, और योगी महात्मा को क्या लेना देना, जुड़ जाए छूट जाए इसमें वो पड़े। तो ये राग वाली बात भी उनके अज्ञान दशा का कारण है, क्योंकि ज्ञान का अनुमान है वैराग्य। अक्रोध वैराग्य जितेंद्रियत्वम, जितेंद्रियता इंद्रियों पर काबू नियमन, ये ज्ञान का अनुमान है, और इंद्रियों पर काबू नहीं वो अज्ञान है। परशुराम जी सोच रहे ये अज्ञान भी मुझ में आ गया कुछ समय के लिए, मेरा इंद्रियों पर काबू नहीं, क्योंकि मैं बानी कैसे बोलूं, जबान बहुत महत्व की इंद्रिय है, और मैं कितने कटु वाक्य बोलूं। कथा सुनते हो तो जबान पर तो बहुत ख्याल करना भाई, एक एक इंद्रिय ऐसी है जीभ जो दो काम करती है, बाकी सब इंद्रिया एक एक काम। कान है तो वो सुनने का ही काम करता है, देखने का नहीं करता, और आंख है तो देखने का ही काम करती है, सुनने का नहीं करती, लेकिन ये जीभ है वो स्वाद लेना और बोलना दोनों काम करती है, और जो दो काम करती है उसको बहुत ठीक से संभाल, इसलिए उसको दो ताले में रखी है भगवान ने, उसको दो लॉक में रखी है, पहले दांत फिर होठ, उसके भीतर रखा है, बड़ी सावधानी के साथ उसको रखी कि ठीक से उसको दो दो किले बना दिए उनकी तारों कि ये इंद्री को बहुत संभाल है, मेरी इंद्री पर मुझे काबू नहीं, तुम्हारा भाई पापी है ऐसा बोल रहे हैं। इंद्री पर कहां काबू, मैं जितेंद्रियत्वम नहीं पा सका, मुनि होते हुए मुनि को जितेंद्रिय होना चाहिए, लेकिन मेरा ज्ञान बादल में दब गया, छिप गया, मेरी स्मृति मैंने गंवा दी। अक्रोध वैराग्य जितेंद्रियत्वम क्षमा, जहां क्षमा भाव हो वहां ज्ञान का अनुमान हो सकता है, और क्षमा नहीं जिस व्यक्ति में वो अज्ञान है, और परशुराम जी में क्षमा नहीं थी। क्षमहु चूक अनजानत केरी, भगवान कह रहे क्षमा करो मेरे भाई को, लेकिन वो क्षमा देने पर राजी नहीं। मैं उसको जब तक मारू नहीं तब तक मैंने क्रोध किया कौन काम था, ऐसा तो तर्क करते हैं। तो क्षमा नहीं है इसलिए अज्ञान दशा है। दया, दया होना वो ज्ञान का अनुमान है, किसी में दया देखो तो समझो कि हो सकता है वहां विवेक हो, वहां ज्ञान हो, लेकिन मान नहीं लेना। जानता तो वही है, जान देना मूल सूत्र तो है कि ज्ञानी ही जान सकता है कि मैं ज्ञानी हूं कि नहीं, दूसरे सब अनुमान ही लगा सकते। दया भाव, परशुराम जी के हृदय में दया भी नहीं। चाहिए विप्र उर कृपा घनेरी, वो भी सूत्र उनके जीवन में लागू नहीं होता, अज्ञान दशा है, बिल्कुल कृपा भाव नहीं, कठोर है बिल्कुल। अक्रोध वैराग्य जितेंद्रियत्वम क्षमा दया सर्वजन प्रियत्वम, सब जन को प्रिय होना वो ज्ञान का अनुमान है। कोई व्यक्ति सबको अच्छा लगे ना तो समझना हो सकता है वहां ज्ञान है। ये बहुत अच्छा पहचानने का, सबको प्रिय लगे, कहीं कई व्यक्तित्व ऐसे होते संसार सबको अच्छा लगे, बच्चे बूढ़े सबको सबको अच्छा लगे, तो ज्ञान का वो अनुमान है। परशुराम जी को लगा कि मैं सबको प्रिय नहीं, पूरे नर नारी खरभर हो गए थे, बाबा कहाँ आए, सब मेरे पर वो जानकी भी वो घबरा गई, ये हुआ है, सब कांप गए थे कि ये महात्मा कहाँ से आए, ये बाज की तरह कैसे आए, सब सबके प्रिय में नहीं बन पाया। तो वो भी अज्ञान दशा उनमें दिखाई देती,
सर्व जनप्रियत्वम, सबको प्रिय मैं नहीं हूं, अज्ञान दशा दिखाई देती। अलोभ दाता, जिसमें लोभ न हो वो ज्ञान का अनुमान है, लोभ न हो वो ज्ञान का अनुमान है। और उनके विपरीत लोभ होना अज्ञान भूमिका है। परशुराम जी कहते हैं, मैं इतना बड़ा महात्मा त्यागी लेकिन फिर भी मैं अलोभी नहीं, मेरे मुझे मेरे में प्रतिष्ठा का लोभ बना रहा कि लोग मुझे दंडवत करें, लोग मुझे देखते ही कांपते रहे, बस बिल्कुल मेरे नियम में रहे, मेरे मेरे काबू में रहे। ये लोभ मैं छोड़ नहीं सका, ये सूक्ष्म लोभ मैं नहीं छोड़ पाया। तो वो ज्ञान से विपरीत हुआ, वो अज्ञान की भूमिका। अलोभ दाता, देना दाता वो ज्ञान का अनुमान है, जो कुछ को देता है, जो जो कोई कहे उसको जितना अपने से हो देने लगता है, वो ज्ञान का अनुमान है कि भाई देता है आदमी, केवल बोलता ही नहीं देता है, करता है। तुकाराम महाराज और पंढरपुर के सभी, ये महाराष्ट्र के सभी, उनके जीवन में बनी घटना। तुकाराम जी थे, ज्ञानदेव जी थे, और मैं ज्ञानोबा तुकोबा एकनाथ, ये सब सब मिले थे पंढरपुर में, उनकी मीटिंग थी, सब मिले थे, सब अभंग गा रहे थे, महाराज कीर्तन गा रहे थे। मजा मजा भी ओ माजा विठल पांडुरंगा, ओ माजा विठल पांडुरंगा, ओ माजा विठल पांडुरंगा। जय जय विठल विठल विठला, जय जय विठल विठल माजा विठल पांडुरंगा, ओ माजा विठल पांडुरंगा, ओ माजा विठल पांडुरंगा, ओ माजा विठल। ऐसा मैंने पढ़ा है कि ये सब पहुंचे हुए संत लोग महाराष्ट्र के पंढरपुर में बैठे थे, और रात्रि का समय था, उसी समय उस संत मंडली में भगवान विठोबा प्रकट हो गए, सदैव भगवान प्रकट हो। और आकर भगवान ने कहा कि मुझे आप में से किसी एक व्यक्ति के चरण की पूजा करनी है, मैं निर्णय नहीं कर सकता हूं क्योंकि आप सब पहुंचे हुए महात्मा हो, और मेरी आज इच्छा है, आप मुझे मानते हो तो ये मालिक का आदेश है कि मालिक सेवक के चरण की पूजा करना चाहता है। अब ठाकुर का आदेश, तो आप में से मैं किसकी पूजा करूं? तो सब चुप हो गए, ज्ञानदेव ये एकनाथ बाबा फला फला सब, भगवान को किसका नाम दे, और ये भगवान ने आदेश डाल दिया धर्म संकट में, अब करे भी क्या। अब तुकाराम के पर निर्णय छोड़ दिया कि तुकोबा बोले सो ठीक है। तो तुकाराम ने कहा कि आप तो सर्वज्ञ हैं अंतर्यामी, हम में से जो बोलता है ऐसा ही करता है उनके पैर की पूजा करो, जो बोलता है जो ऐसा ही करता है उनके पैर की पूजा करो बस, दूसरे। और फिर सबके नेत्र तुकाराम की ओर चले गए, और भगवान को कहा कि तो तुकाराम की ही पूजा करो, उसके पांव को पूजा करो। जो दाता है केवल बोलता नहीं, जो बोलता है ऐसा करके दिखा देता है, देता है, समर्पित हो जाता है, वो ज्ञान का अनुमान है। और उससे उल्टा न देना वो अज्ञान की भूमिका है। और देना ये पैसे की बात थोड़ी है भाई, हम कल भी कह रहे थे कि किसी को मीठा वचन दो, किसी को आवकार दो, किसी को अच्छी दृष्टि दो, किसी के लिए अच्छे विचार दो, सब दान है। तो मैंने तो इन लोगों को कोई अच्छी बात दी ही नहीं, गालियां दी। ये दोनों भाइयों के सामने में अभी तक गाली ही बोलता रहा, तो ये भी मेरी अज्ञान भूमिका सिद्ध होती है। भय शोक हरता,
ज्ञान की भूमिका, ज्ञान का अनुमान है जो भय का हरण कर ले, शोक का हरण कर ले, वो ज्ञान का अनुमान। और मैंने तो आतंक फैला दिया, मैंने तो भय का वातावरण कर दिया, ये सब जनकपुर की नारी फफड़ रही है मेरे लड़कों को देखकर, मैंने भय पैदा कर दिया, ये मेरी अज्ञान की भूमिका। और शोक में सब डूबे हैं कि अब क्या होगा, क्या होगा, ये मार देगा, ये राम जी को कुछ कर देगा तो क्या होगा, कैसा गहरा शोक प्रकट हो जाएगा। तो मैं निर्भय नहीं बना पाया, किसी को निशोक न बना पाया, ये भी मेरी अज्ञान की दशा है। ज्ञानस्य, ये ज्ञान के इतने दस लक्षण आए, ये दस लक्षण ज्ञान के बताए और उनका विपरीत अज्ञान। परशुराम जी के जीवन में ये सभी भूमिकाएं सिद्ध होती, इसलिए वो कहते हैं अनुचित बाहु कहे मंदिर दो बोल गया भगवान, वो मेरी अज्ञानता के कारण मैं बोला हूं, इसलिए क्षमा देना आपका कर्तव्य हो जाए। सखेति मत्वा प्रसभम यजतम हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणये। भगवान कृष्ण का प्रभाव जानने के बाद अर्जुन ने गीता में कहा, मैं आपके साथ सखा भाव से बचपन में विहार में शैया में भोजन में आपसे कोई न कोई ऐसी विनोद कर लेता था, तुकारा कर लेता था, उपहास कर लेता था, लेकिन आज मैं क्षमा मांगता हूँ। अजानता महिमानं तवेद, आपके जानकारी मुझे नहीं मिली, अज्ञानता के कारण ये सब हो गया। तो अब परशुराम जी अपने अज्ञान की बात कहकर कहते हैं कि अज्ञानता के कारण मैं बोला हूं तो आप क्षमा कर दें। और मैंने सुना है कि आप दोनों भाई क्षमा के मंदिर हैं, सुना ही नहीं मैंने देखा है कि मैं आपको इतने इतने कटु वाक्य कहने के बाद भी आप मुझे क्षमा ही करते रहे, क्षमा ही करते रहे, क्षमा ही करते, वरना मैं जानता हूं अब कि तुम्हारे ये छोटे भाई काल का जो अवतार है लक्ष्मण, उनको आपने एक इशारा किया होता ना महाराज तो भी मुझे परास्त कर लेता, लेकिन आपकी क्षमा ने मुझे बचा लिया है, इसलिए मैं हिम्मत कर रहा हूं कि आप क्षमा के मंदिर, आप दोनों भाई क्षमा के। और दूसरे अर्थ में धरती का एक नाम क्षमा है, पृथ्वी को हम क्षमा के, और राम धरती के पालक, आप क्षमा के पालक, और धरती किसके मस्तक पर रहती है, शेष के मस्तक पर, लक्ष्मण जी के मस्तक, आप उनके रक्षक है। तो आप दोनों क्षमा जो धरती का नाम है, एक धरती का पालन करते हो, एक धरती को उठाए रखते हो, गिरने नहीं देते, तो इसका मतलब ये कि जो क्षमा है उसके आप रक्षक हैं, पालक हैं, इसलिए मैं हिम्मत करता हूं कि क्षमहु क्षमा मंदिर दौभ्रा। तीसरा अर्थ, क्षमा मंदिर किसको कहते हैं, विष्णु मंदिर किसको कहे, इसका सीधा सा अर्थ है जिसमें विष्णु हो, हा? लक्ष्मी नारायण का मंदिर तो इसमें बच्चा भी कह देगा कि लक्ष्मी नारायण की मूर्ति होगी, हनुमान जी का मंदिर तो बच्चा कहेगा कि हनुमान, तो क्षमा मंदिर का अर्थ है जिसमें क्षमा हो, जिसमें क्षमा निवास करती हो, उसको क्षमा मंदिर कहे, एक अर्थ। अथवा तो कोई कोई एक जगह है वहां विष्णु याग हो रहा है, तो आप क्या कहेंगे कि भाई उस मंडप में विष्णु याग हो रहा है, रुद्र हो वो महारुद्र हो रहा है, लघु रुद्र हो रहा है, आदि आदि, शतचंडी हो रहा है आदि आप कहोगे। तो दूसरा अर्थ ये है जिसके जीवन में क्षमा की पूजा होती हो वो क्षमा मंदिर, जिसके जीवन में क्षमा को इतना आदर दिया जाता हो वो क्षमा मंदिर है। पाठ भेद में शायद इधर उधर संख्या हो जाए, ताकि मेरी गिनती के अनुसार, मेरी समझ के अनुसार रामचरितमानस में करीब करीब पाठ भेद बहुत है ना, क्षेपक बहुत, इसलिए कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, हम जो पढ़ते थे उसके मुताबिक और कुछ पाठ भेद बहुत हो गए। बाकी गोस्वामी जी ने मंदिर शब्द का उपयोग 44 बार किया है,
पूरे मानस में मंदिर मंदिर मंदिर, उसमें उसमें सुख मंदिर क्षमा मंदिर सबको मिलाकर करीबन 30-35 बार तो नगद मंदिर शब्द ही मंदिर मंदिर प्रतिकरी सोधा देखे जहां तक अगणित जोधा गए उदसान मंदिर माही आदि आदि आप देखते जाएंगे तो फिर इसमें क्षमा मंदिर शब्द यहाँ आ रहा है। सुख मंदिर क्षमा मंदिर आदि आदि शब्द सब बड़े अच्छे शब्द है, सबकी विशिष्ट और स्वतंत्र व्याख्या है। और आपको मैं एक बात कहकर छोड़ दूं कि जहां सचमुच मंदिर शब्द लगाना चाहिए वहां तुलसी ने नहीं लगाया, और जहां मंदिर शब्द की जरूरत नहीं वहां मंदिर लगा दिया। और वो सब प्रयोजन ही हो सकता है, सहेतु ही हो सकता है, क्योंकि मेरे बाबा का एक शब्द भी अकारण नहीं हो सकता। भाई रावण के घर को मंदिर कहने की जरूरत थी? गए दशानन मंदिर में, यो कोई देवता था? दशानन के मंदिर में गए। लंका के जितने मकान इन सबको मंदिर ही कहा, और बेचारा विभीषण जहां भजन करता है उनको मंदिर नहीं कहा। भवन एक पुनि दीख सुहावा, वो भवन है। बोलो जहां पार्वती हो उनको तो मंदिर कहना चाहिए ना, लेकिन सर समीप गिरिजा गृह सोहा, वहां घर कह दिया कि पार्वती का घर था, मंदिर उड़ा दिया। गौरी निकेता मंदिर नहीं, जहां गौरी हो जहां दुर्गा हो उसको तो बड़ा सामान्य आदमी भी मंदिर कहता है कि ये मंदिर है, लेकिन वहां मंदिर। और जहां रावण रहता है तो बोले गए दशानन मंदिर, भाई वो मंदिर है। तुलसीदास जी को किसी ने पूछा कि रावण के घर को मंदिर कहना कमाल है, जहां शराब पी जाती थी, जहां अभक्ष भक्षण होता था, जहां कई सुंदरियां ऐसे पड़ी थी और रावण ऐसे विलास में डूबा था, और उसको मंदिर कहते हो? तो तुलसीदास जी ने जवाब दिया कि भाई सुनो, मंदिर में कोई ना कोई देवता होता है, ठीक है, हाँ बोलो, और वहां उनकी पूजा होती है, उसको मंदिर कहते हैं। हाँ बोले, तो लंका के अंदर देह के देवता की पूजा होती थी, प्रत्येक घर में देव की पूजा नहीं शरीर की ही पूजा होती थी। विलासी लोग, ये सब देह के मंदिर थे, हर मंदिर में देह विराजता था, शयन किए, कोई सोया है, कोई भोग रहा है, कोई पी रहा है, कोई खा रहा, जहां शरीर देवता की पूजा होती थी। इसलिए बाबा जी ने व्यंग में कह दिया कि वो मंदिर है जहां, अथवा तो एक मंदिर कहने का कारण है कि हनुमान जी की आंख में ये मंदिर है ना, हनुमान जी जब खोज रहे हैं ना सीता जी को कि कहां है, और जो भक्त जो संत भक्ति की खोज करेगा ना, वो भक्ति की खोज के लिए जहां जाएगा उसको मंदिर ही दिखाई देगा। अथवा तो जिसको भक्ति की खोज करनी है वो मंदिर में ही जाएगा, उसको लगेगा कि यहां भक्ति मिलेगी, यहां मिलेगी, उसकी मंदिर दृष्टि ही हो सकती है, स्वाभाविक है। कभी मंदिर शब्द लेकर कथा कहेंगे, केवल मंदिर शब्द मेरे मगज में बैठ गया, ये बात गिनती आ गई ना, तो करीब करीब इतने शब्द, फिर तो पक्का कर लेंगे कि कितने हैं, लेकिन बहुत पहले गिनता रहता था मैं, क्या कौन कितने शब्द है, कौन कितने शब्द है, ये बहुत संशोधन का विषय। लेकिन मंदिर शब्द पर विशिष्ट व्याख्या हो सकती है, बड़ी मौलिक व्याख्या हो सकती है कि कौन जगह कौन। तो इतनी बार मंदिर शब्द का प्रयोग मेरे बाबा जी ने किया है, तो सुनहु क्षमा मंदिर दो प्रात, आप दोनों क्षमा मंदिर है। राम जी तो है ही है? लेकिन श्री लक्ष्मण जी भी क्षमा मंदिर है, ऐसा बाबा को लगा, क्योंकि अब उनके बुद्धि का पर्दा हट गया ना, तो पता लग गया कि ये लक्ष्मण केवल राम का भाई नहीं, ये शेषनाग है, और मैंने इनका इतना अपराध कर दिया फिर भी मुझे माफ करा, ये मेरे गुरुदेव के गले का गहना है, मेरे गुरु शंकर हैं और ये सांप उनके गले का गहना है, उनका भूषण है, उनका आभूषण, उनका मैंने अपराध किया, ये भुजंग ही काल का काल है, मुझे डस सकता है, लेकिन वो कठोर नहीं हुआ और कृपावंत हुआ, इसलिए बोले क्षमा हूँ क्षमा मंदिर दुभ्राता, क्षमा हूँ क्षमा मंदिर दुभ्राता, मंदिर दुभ्राता। तो कापड़ की दुकान के पास कापड़ की कपड़े की दुकान में कोई जाए तो वहीं से उसको कपड़ा मिल सकता है, घी की दुकान में जाए तो वहीं से उसको घी मिल सकता है, पात्र लेकर जाए पैसा दाम लेकर जाए तो हे हरि,
मैं क्षमा के मंदिर के पास आया हूँ और मैं कबूल करता हूँ मेरा पात्र कुछ बना है, मैं अज्ञानता से बोला। अब मेरा पात्र ठीक हो और मैंने दाम भी बहुत चुका दिया, कोई कम नहीं चुकाया, इतनी बार जय जयकार कर रहा हूँ वो दाम ही दे रहा हूँ, ये दाम ही चुका रहा हूँ, अब पात्र भी है, मैं मूल्य भी दे रहा हूँ, इसलिए हे क्षमा के मंदिर वाले, आपको क्षमा करना अब आपका दायित्व हो जाता है, आपका कर्तव्य हो जाता है, आप इससे च्युत नहीं हो सकते महाराज, क्षमा हूँ क्षमा मंदिर दो भ्राता। समय बहुत हुआ इसलिए यहाँ रुक रहा हूँ, वरना इसकी बहुत व्याख्या और भी हो सकती है, लेकिन फिर भी देखूंगा, फिर कोई जुड़ गया तो आगे चलूंगा, तो यहाँ क्षमा हूँ क्षमा मंदिर दो भ्राता। ऐसे मेरे ठाकुर की जय जयकार परशुराम जी ने किया कि आपकी जय हो जय हो जय हो कहकर परशुराम जी आगे के सूत्रों में हमको ले चलेंगे, लेकिन यहाँ रुकते हैं, फिर 3:30 बजे करीब करीब इस यात्रा को हम आगे बढ़ाएंगे। परिक्रमा को भाव और श्रद्धा के साथ बोलिए, बोलिए राम चंद्र भगवान की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, सदगुरु देव की जय, ओ